अस्सलाम वालेकुम, my name is Hasan Chaudhry. You're tuned in to something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम. हम ना मैचिंग होगी. ग्रीन आ गया आप में यार. मैं कह रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता वी गेटिंग देयर. नहीं वो वाईफाई मैंने आपको बताया था ना कल के हो गया प्रॉक्सिमिटी कुर्बत से. बिल्कुल यार करने में दर्द होगा. एनीवे क्यों उमर हम ना अखाड़े में तो नहीं उतरे हुए आप. अखाड़े में तो नहीं उतरा. कुछ ऐसा किया है मैंने. आज मेरा बड़ा बुरा हाल है कल से. क्यों? इसलिए कि मेरी जो वो फंक्शनैलिटी रेंज है ना मसल्स की वो मेरे ट्रेनर ने थोड़ी सी बढ़ाई है मेरी. अच्छा. तो उसके बाद कर तो ली मैंने, लेकिन मैंने कहा यार अगर ये इसने शुरू में मुझे इतना पुश किया होता ना आई परहैप्स वुड हैव गिवन अप, बिकॉज कल से माय बॉडी इज एक्चुअली हर्टिंग. मतलब माय मसल्स एंड माय बोन्स वो हल्का सा जैसे टाइट करते हैं ना तो वो किया है. तो या पार्ट ऑफ लाइफ बट नो इट्स गुड. Some wrong. It's good. It's good. कंधे से तो खैर ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं मुझे ध्यान में आ रही. I mean जिसमें मेरे कंधे इस्तेमाल हुए हों. Unless कि आपने lifting की हो तो. Lifting नहीं कुछ मैंने. वो भी कंधे. मैं सोच रहा हूँ कि कंधों से क्या ऐसा कुछ. ऐसा कुछ आपने. इस्तेमाल नहीं आए कंधे मेरे. मेरा shoulder को मैंने उसको खास किसी. बाजू तो इस्तेमाल किया होंगे. किसी मकसद के लिए मैंने नहीं इस्तेमाल किया. बाजू तो इस्तेमाल किए होंगे ना. I don't know, but is it right at this? I think it'll be fun. मेरे ख्याल है सारे नियम तोड़ के एक जो ना नियम से मुझे एक बात याद है. हाँ करें ना. नियम से मुझे एक बात याद है. मैं बात ही आपने मेरी काट दी. मैं करने लगी थी लेकिन चलें आप. हाँ आप पहले करें. मैं कह रही हूँ सारे नियम तोड़ के ना हम एक कर लेते हैं. पॉडकास्ट ही कर लेते हैं. मैंने कहा मैं यार एक इस गुफ्तगू वाली पॉडकास्ट भी कर ही लेते हैं. एक्स-रेटेड पॉडकास्ट. एक्स-रेटेड पॉडकास्ट. एक्स-रेटेड क्यों आप कहते हैं? इस गुफ्तगू का क्या मतलब है आपका? इस क्या अडल्ट पॉडकास्ट हमारे यहाँ बात नहीं होती यार. इस चीज पे होनी चाहिए. आई एक्चुअली थिंक इसलिए नहीं होती क्योंकि जो छोटे नन्हे काके होते हैं. नहीं मैं और आप बैठ के मैं सोच रहा हूँ क्या बात करेंगे. ये गिगली सा बड़ी बात हो सकती है. बड़ी बात हो सकती है. नो ओके ऑन अ सीरियस नोट वी हैव एंड आवर टेलीविजन परपेचुएट्स सच अ टैबूड वर्जन ऑफ what we're talking about. I can't even say it. I would say it, but it would just make so many people uncomfortable because people are not into, like they're not tuned into it at all. Some people have competed. आप लोग बहुत वो हो जाते हैं. हम नहीं देखना चाहते. मैं वही कह रही हूँ ना कि हमारे लिए इतनी टैबू है ये conversation. और obviously in the passing आप उसको हर वक्त trivialize नहीं कर सकते, but it's an important part. And plus that's all our dramas are about. But yet they avoid the subject. हाँ. It's so weird. We're talking about sex. I mean, yeah, so yeah. What does my shoulder have to do with? I thought you were genuinely talking about some workout. I was until you brought up yourself. What do you mean? What, oh my God, Amna, you've got such a dirty mind. I swear. What does my shoulder? Let me pitch this question to everybody watching. Was he not insinuating exactly what I'm saying? Oh my God! With his shoulder. I just said I didn't do anything with my shoulder. Last night. I didn't say last night. Yes, oh my God! I never said last night. Well, that is exactly what you were pitching. Oh my God! People can go back and see. Even if you were, what's wrong with it? I mean, why? Why would I would talk about something so personal on YouTube? Why were you shy and like all giggly then? I wasn't shy and giggly. I was just thinking, yeah. I was talking about my gym session without being shy and giggly. If you were like talking about something so straightforward, I wasn't being shy and giggly, bhai. Okay, you weren't. Anyway, मैं ये कह रही थी कि सारे नियम तोड़ दो. There is a method to the madness, and आहिस्ता आहिस्ता मेरी वो range वो बढ़ा रहे हैं in the gym, and of course I feel like I've accomplished a lot. But yeah, now my aches and pains are like uncomfortable. तो नियम से जैसे मैंने आपको कहा मुझे याद आया. और वो अब अखाड़ा में उसकी बात कर लें क्योंकि वो खातून कहती हैं मजाजी खुदा. तो मजाजी खुदा जब उन्होंने कहा मैंने कहा मैं इसको मीनिंग ढूंढूंगा मजाजी का मीनिंग क्या है. तो आई हैव थॉट्स ऑन दैट. वेयर डिड शी से मजाजी खुदा? वो कहती है ना सुल्तान को कि एक तरफ मेरा बेटा है दूसरी तरफ मेरा मजाजी खुदा. जी. तो मैंने फिर गूगल किया. गूगल पे हर चीज़ का जवाब होता है. गूगल पे आपको वो मिलता है जो आप ढूंढना चाहते हैं. हाँ अगर आपको ढूंढना आता तो उस पर मैं बात कर. चलें फिर अखाड़ा देखते हुए हम बात करें. जी बिल्कुल. अभी क्या उसके बारे में बात करना नियम से क्या. लेकिन आपने बात जोड़ी क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों नियम से क्यों इसका ताल्लुक है. ओके. नियम से मजाजी खुदा का क्या ताल्लुक. चलें ये आपको वो दे दिया आज क्या कहते हैं उसको टीजर ताकि आप अखाड़ा का रिव्यू सुने इस बात से कि नियम का नहीं, अखाड़ा का रिव्यू आपको वैसे भी सुनना चाहिए। हाँ, और वैसे भी आप सुनेंगे क्योंकि अच्छा ड्रामा है। बट नियम का मजाजी खुदा से क्या ताल्लुक है, ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आज आपको अखाड़ा में। जी ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आप? डेमोन्स्ट्रेट नहीं, मैं आप एक्चुअली कुछ करके दिखाएंगे? नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन? अच्छा ठीक है, मैंने कहा डेमोन्स्ट्रेशन आप कैसे देंगे? डेमोन्स्ट्रेट का भी मतलब यही होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन कोई फिजिकल नहीं होती आम ना, लिटरल भी हो सकती है, मतलब लिटरेरी भी हो सकती है। लिटरेरी लिटरेरी भी हो सकती है जी। लिटरेरी डजंट हैव टू बी विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, इट कैन बी लाइक डेमोन्स्ट्रेशन वाया वर्ड्स एंड कन्वर्सेशन। राइट, ठीक है, वाया स्पीच। स्पीच। और कैसी हैं आमना? अल्हम्दुलिल्लाह यार। कराची में मैं आपको बताऊं गर्मी हो गई और मैं, लेकिन बड़ा जबरदस्त मौसम है। विद ऑल लव टू एवरीबॉडी जिन्होंने कहा यार कि हम -40 पे हैं, -50 पे हैं, -30 पे हैं, -20, इवन विद इन लाहौर इस्लामाबाद टाइप बड़ी वहाँ पे ठंड है शदीद। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है कि यहाँ पे कराची में मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें हम लोग शर्ट में, मैं अभी बैठा हूँ, टी शर्ट वाला मौसम है यहाँ पे। पंखा नहीं चल रहा इस वक्त, लेकिन यही है। मैं आप चलाने को एसी चल सकता है, वैसे चल सकता है। गर्मी आने का क्या है सबूत मेरे पास? क्या है? ये मेरे बाल फ्रिज होने शुरू हो गए। फ्रिज, ये देखिए इस बड़े बड़े साइंटिस्ट का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि कराची में गर्मी शुरू हुई है अभी तक या नहीं। मैंने कहा यार मुझे कैसे पता होगा। उन्होंने कहा पागल तुमने आमना के बाल नहीं देखे अभी तक? कह रहे नासा इस पे रिसर्च कर रहा है कि यार यही बात। फोन आया मुझे बकायदा साइंसदानों का। साबित होता है कि आबो हवा में ह्यूमिडिटी शुरू हो गई है कि बाल फ्रिज होने शुरू हो गए मेरे, ऐसा ही है। हाँ, तो मैं, ये बात है, फैक्चुअल बात है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गर्मी ने शुरू होना होता है वहाँ का मेजर क्या है? आमना अपने बाल डोनेट करती है। ये बाल जो है प्रॉपर तरीके के साथ आमना के ऐसे कट होते हैं, उसके बाद एक बहुत ही टेम्परेचर कंट्रोल्ड कंटेनर के अंदर उनको रखा जाता है और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स स्पेशल व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं एयरफील्ड में। वहाँ पे स्पेशल एयरक्राफ्ट उनको दुनिया के डिफरेंट कोनों में, डिफरेंट मुमालिक वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पे फिर स्पेशलाइज मशीन हैं जो कि बनी हैं सिर्फ इसलिए कि आमना के बालों को वो मेजर करती हैं और इस हिसाब से वो बताती हैं कि अब गर्मियाँ शुरू होगी। भाई दूसरों पे कर सकते तो खुद पे क्यों नहीं कर सकते? हो गई आपकी, नहीं बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग सारी ये रिसर्च थी। इससे मुझे याद आया, मैं अपने बाल डोनेट बाय द वे कर चुकी हूँ। क्या बात? मेरे बाल घुटनों तक होते थे। वो जो बाल आपने डोनेट किए जी, कितने मुल्कों का फायदा हुआ उससे। उनको पहले से पता लग जाता गर्मी आने लगी है, वो अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात कहूंगी कि आपकी हंसी बंद हो जाएगी। मैंने बाल डोनेट किए थे फॉर विग्स फॉर पीपल फॉर कैंसर पेशेंट्स, बिकॉज मेरे बाल जो, मैं 3-4 साल सोचे यार वहाँ का पानी कितना वो है, क्या कहते हैं उसको, फर्टाइल। कहाँ का? सऊदी अरेबिया का। 3-4 साल हम जो वहाँ रहे, वहाँ मैं आई वेंट विद शॉर्ट हेयर एंड आई केम बैक विद लिटरली मिड थाई तक मेरे बाल थे और घने। और जब वापस आई तो ऑब्वियसली संभाले नहीं जाते थे, तो वो मैंने एक दिन जाके क्रिच जो काटे, वो पूरी जो थी ना वो चोटी, आई डोनेटेड टू विग्स। डोनेशंस पे यार आप, ये अच्छा आमना ने एक दिया कि डोनेट किया करें चीज़ें, चाहे कुछ भी हो, कितना भी हो, जितना भी हो, डोनेट करें क्योंकि घूम फिर के वापस आपके पास आना होता है। Absolutely. और मल्टीप्लाई होके आना होता है। सो इस बात में कभी भी डोनेट करते हुए या किसी को हेल्प करते हुए ये मत सोचा करें यार कि वो इतने क्यों दे दिए या इतना क्यों कर दिया या इतने बाल क्यों कर दिया। और डोनेट जब कर रहे हैं तो जब मदद भी करें किसी की, मैं बार बार ये कहती हूँ कि यार जो गरीब सौदा बेचने वाला है उससे कभी बार्गेनिंग मत करें। हाँ, मत करें। ये गुब्बारे वाले होते हैं, आप कभी किसी को गुब्बारा ले लिया, आप जी वो बड़ी चोर बाजारी बढ़ गई है, 200 के बजाय 300 का दे रहा है, क्या अपना क्या है आपके तो ये है। फिर आप फ्रूट ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं किसी से, यू नो, जो इस तरह के आपके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा लोग हैं, इतना मत उनसे किया करें, बल्कि खरीदा करें सौदा। जरूर गरीब का सौदा जरूर खरीदें और हैगल नहीं करें। आप बार्गेन स्टोर्स में जाके तो नहीं करते ना, वो भीख तो नहीं मांग रहे ना वो लोग, वो हक हलाल से मेहनत से अपना रोज़गार कमा रहे हैं, तो उनकी आपको ज़रूर मदद करनी चाहिए और 50-100 रुपये के ऊपर नहीं करना। और ये हमारे मज़हब में भी है जी, बिल्कुल ऑफ कोर्स, कि अगर बल्कि कोई आपको लगता है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपको उस वैल्यू के हिसाब से देना चाहिए, इवन कोई अगर कम चार्ज कर रहा है तो। ये अच्छी आपने आमना देखे ना, हंसी मजाक में एक बात काम की यार, ये खूबसूरती है इन दो लोगों की, आप यकीन जाने। बड़े बड़े फोन आ रहे हैं दुनिया से, वो कह रहे हैं यार इन दो लोगों का पता बता दो, हम इनको एंगेज करना चाहते हैं। ये क्या है, आपने क्या वर्ड इस्तेमाल किया था फिलोसोफर का? मुफक्किर। मुफक्किर नहीं, फलसफी। फलसफी जी, फलसफी को बहस के अंदर सिरा मिलता नहीं, एक उलझी हुई डोर है सुलझा रहा सिरा मिलता नहीं। नुसरत अली खान साहब, तुम इन गोरख धंधा हो। ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं हम, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, आप पीछे पड़ जाते हैं कि ओहो आपको तो पता ही नहीं है मुफक्किर क्या होता है। ओहो अबे यार चिरे का चिल। आज मैं कौन से मूड में हूँ भाई? आज आप कौन से, अभी उठ के आए हैं आप? अभी भी जागे? मैं थोड़ी देर हुई है जरा, अभी वो वाला टाइम है कि जब जाग के बंदा होश में आता है। अभी आपने कुछ खाया नहीं है? नहीं मैंने खा लिया, खा लिया आपने, क्योंकि आप आज हमने एक जगह जाना था, मुझे लगा कि खाना देर से खुलेगा, वहाँ पे खुलेगा प्यारे यार क्या खुलेगा? यू कैन टेक पंजाबी आड़ो पंजाब, रोटी खुलेगी। हाँ जी, तो मैं रोटी खुलेगी तो देर से खुलेगी। जी जी। और मेरा आजकल आपको पता है एक शेड्यूल में 6 बजे आजकल डिनर रैप अप कर, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मुझे लग जाएगी भूख 6 बजे, तो मैंने कहा कि आज की खुशी में अंडा पराठा ऑमलेट हो जाएगा। आई लव द अंडा पराठा ऑमलेट, जैसे कि ऑमलेट अंडा नहीं है। फ्राई अंडा पराठा और ऑमलेट। आप बाकी फ्राई अंडा अलग खाते हैं और ऑमलेट अलग खाते हैं, इंटरेस्टिंग है। ऑमलेट अलग, फ्राई अंडा अलग, पराठा। तो मैंने कहा अच्छा, वैसे मैं बताना चाहूंगी कि जब हसन अपने घर में मील ले रहे होते हैं, खाना जब खा रहे होते हैं, तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे एक चौधरी होता है आप चौधरी, यार ये आप मार्केट में नई बात जानबूझ के मैंने किया ये है, आप एक चौधरी। हसन ऐसे बैठे होते हैं जैसे एक चौधरी बैठा होता है, साथ उनके टेबल लगी होती है, सारा सेटअप हुआ होता है, और आगे पानी और उनका जो भी कुछ उन्होंने पीना होता है, मशरूब जूस वगैरह जो भी वो पीते हैं, और रोटी ऐसे नैपकिन के अंदर, खान सालन ये वो ये, और फिर हसन बात नहीं करते किसी से, खामोशी से खाना खाते हैं, और एक उनको सर्व कोई बंदा कर रहा होता है, एक उनके, और ऐसे जैसे कि कोई चौधरी सर होता है ना, कोई बादशाह लोग उस टाइप का। अगर आप ये कहेंगे जी, और सिर्फ हसन तब ब्रेक होती है उनकी आइस कि उनकी बेटियों में से कोई एक आए उनके पास, बाबा बाबा करती है, फिर हसन कहते हैं हाँ जानू डार्लिंग हाँ, अदरवाइज हसन ऐसे होते हैं ऐसे ऐसे, हाँ रोटी रोटी ठंडी हो गई है, रोटी गर्म रोटी, और फिर एक रोटी क्या खत्म हो गई, ये हसन का होता है। मैं कभी छुपके से कैमरा लगा के ना ये रिकॉर्ड करना चाहूंगी। तो यार अल्लाह माफ करे इस तरह की कोई बात। मुझे लगता है खाने टाइम पे जब हम हैंग वैंग भी जाते हैं, आपको पता है मुझे होता है कि यार खाना खाने के वक्त मुझे होता है कि खाना खाने तो बस भूख लगी होती है ना, मैं दिन में एक बार खाना खाता हूँ यार, मुझे उस वक्त होता है कि इस वक्त खाने का टाइम है, सो लेट मी हैव माय फूड। खाने के बाद करो जो करना है, या खाने से पहले करो जो करना है, खाने के बाद खाना होता है ना। पीपल लाइक टू converse a lot during dinners and lunches. Yeah, that's a very Western concept. Converse कि 7 course dinner होता है, आप leisurely करें, थोड़ा सा खाएं, अच्छा वहाँ से निकली ये बात, मेरे ख्याल है। No, I think हमारे यहाँ भी है जो दस्तरखान, नहीं हमारे शादियों में भी आप देखें जो रोटी खुल जाती है एक बार, सारे अपनी अपनी पेट जेड़े भुखे होंदे ने ना, ओही इस तरह पहनदे ने खाने को, कोई नहीं पहनदा, किड़ा भुखा नहीं होंदा, केड़ा भुखा नहीं होता। पंजाब की शादियों में आप मुझे बता दें, आपने बहुत आपका शादियों से, पंजाब की शादियों से गहरा ताल्लुक है, मुझे बता दें पंजाब में रोटी खुली हो और खाना खाते हुए कोई बात कर रहा आपको नजर आ जाए, नहीं कभी नहीं होगा इन हिस्ट्री। आप आजकल शादियों का सीजन है, आप लोग ऑब्जर्व करके देख लें, जैसे ही रोटी खुलती है खामोशी हो जाएगी। लेकिन हमारे मजहब में ऐसा नहीं है, जो दस्तरखान का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप बैठ के बात करें, आप एक फैमिली की तरह, आप यू नो यार वो तो एपेटाइजर आया है तो जो तुसी ऑर्डर किया है तो जितनी देर चाह रहा है तुसी गपशप कर लो, फिर एपेटाइजर तुसी खत्म कीता है, मेन कोर्स आ रहा है, एटिकेट्स ऑफ डाइनिंग है, एटिकेट्स ऑफ डाइनिंग, तो वो तो आप करें। जब रोटी खुल गई है सामने खाना पड़ा हुआ है तो फिर तो तुसी खाओगे ना, तो ये है। आज हम गप्पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास है खाली 3 ड्रामे। अम्मी हमेशा याद करती हैं खाना डालते हुए कि जो मेरे नाना थे वो सालन की पहली प्लेट उनके लिए होती थी, अगर किसी ने और मैंने उस सालन में से पहले खा लिया है तो वो ही नाना खफा हो गया। हाँ नहीं ही उनके लिए रखी जाती थी कि जब तक वो खाना लें कोई और खाना नहीं खाएगा, पहली प्लेट सालन की, हाँ। गरम फुल्का, और मेरी नानी खाना नहीं खाती थी जब तक, तो मैंने बड़े साल ये सुना और रोमांटिसाइज किया कि वाह वाह। आखिर मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा इसमें अच्छी बात क्या है? What is the good thing? I mean, I love my nana to bits and my nani as well, but what is the good in this? I mean, इसमें अच्छी बात क्या है? अगर एक औरत को भूख लग रही है, वो नहीं खा रही क्योंकि उसके मियाँ ने नहीं खाया और उसको पहली प्लेट खानी है, तो आई थिंक दिस शुड बी कंडेम्ड एंड चेंज्ड एंड नॉट रोमांटिसाइज्ड। मैंने कल कोई वीडियो किसी ने बड़ी अच्छी मजे की रील बनाई हुई थी, तो कोई लड़की है वो किताब पढ़ी होती है और किताब में ऐसे कुछ लिखा होता है कि आई विल नॉट लेट एनीवन समथिंग समथिंग, यू नो इस तरह का कोई बड़ा हैवी ड्यूटी, तो किताब पढ़ते पढ़ते उसको बड़ा रोमांटिसाइज करती है कि वाओ यार व्हाट अ लवली थॉट, और फिर कट टू दिखाते हैं रियल लाइफ में जब उसको एग्जैक्टली कोई बंदा डायरेक्टली वो बात बोलता है उसको गुस्सा आ जाता है कि हाउ डेयर ही। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप जब देखते हैं किसी और के कॉन्टेक्स्ट में या दो लोगों को, तो आप कहते हैं वाह हाउ रोमांटिक, और बाद में आप कहते हैं कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक नहीं सी कम, ठीक नहीं सी कम। बट इससे मुझे एक और थॉट आई है जी, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं ना उनको सब माफ, वो तो प्यार में तो एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, सब माफ है। फिर आप कहते हैं कि ठीक है यार, चलें ड्रामों की तरफ अब, क्या करना है, मजा आ रहा है आज गुफ्तगू करके। ये तो पॉडकास्ट हो गई, देखिए फ्लो कर रही है कन्वर्सेशन, फ्लो कर रही है, ये क्यों है, इसी फ्लो में आप ले जाएं ड्रामों की तरफ। लो जी, इस हफ्ते हमारे पास हैं 3 ड्रामे आज के एपिसोड में। क्यों है आमना 3 हेवी ड्रामे हैं ये? एक तो इनमें से बहुत ही हेवी है मैं की डबल एपिसोड, मैं की इन 2 किस्तों में इतना कुछ हुआ है जो पिछली 25 किस्तों में नहीं हुआ। मैं कहती हूँ जब बबल बात का पानी खुल जाए ना, आप सोचें कि बस तब्दीली आ गई। अच्छा, आपका मर्दों से और बबल बात से गहरा ये किधर से रॉन्ग, ये टोटली अलग मर्दों से अलग बबल बात से अलग है ना, ऐसी है ना। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। अलग आपका गहरा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं किसी मर्द को नहीं जाता जिसने बबल बात लिया, मैं जानता नहीं, जाती तौर पे मैं नहीं जानता, मैंने खुद भी कभी बबल बात नहीं लिया ना। मैं मर्दों को जानता हूँ जिन्होंने बबल, आप जानती है मर्दों को? जी ओके मैंने सही कहा था फिर आपका। हाँ, आपका मर्द और बबल बात से भी गहरा था। बात ये कि पुराने जमाने में लाइक 70s 80s तक बबल बात का फिर भी कॉन्सेप्ट था, अब नहीं है। अब तो यार पानी नहीं है शहर में, टैंकर डलते। यार इतना टाइम किसके पास है कि बबल बात में बंदा बैठ जाए? बबल बात की टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन बबल बात है भी सर्द ममालिक की लग्जरी। अच्छा हाँ, थोड़ा सा बैजो गर्म पानी बैजो, बाथरूम भी हीटेड होवे, तब तौलिए भी गर्म होन, रेडिएटर से गर्म हो रहे होन, जिद मैट से उतरो भी गर्म होवे, तो फिर बबल बात का मजा है। हाँ। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं दुबई और आप रहते हैं बड़े लग्जरी होटल्स में, आपने कभी जाके बबल बात नहीं लिया? रियली? बच्चों ने भी नहीं? आपने कभी लिया? बच्चों ने लिया। हाँ, हमारे तो खैर एवरीवेयर वी वेंट तो सबसे पहले बच्चे बबल बात लेते थे, तो बच्चे लेते हैं, बीवी बच्चे तो इस तरह की चीजों में इंडल्ज करते रहते हैं। मैंने कभी नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है जरा। हां, इतना हमें शौक नहीं हुआ। हम कहते हैं भाई यूं है यूं है, पेशेंस चाहिए। हां, पेशेंस इतना बबल बात के लिए। कुछ और गल आई मेरे दिमाग में, नहीं कहूँगा, आज मैं बहुत ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। ऐसी खैरियत है? हाँ, कुछ ना, पता नहीं हमें कुछ बोल ऑल ओके। नो सर, नो। एनीवे, सो वी गॉट 3 ड्रामास, वी गॉट 2 एपिसोड्स ऑफ में जी, वेरी प्रोफेशनल रिव्यू। वी गॉट 1 एपिसोड ऑफ अखाड़ा जी, एंड वी गॉट 1 एपिसोड ऑफ खुशबू में बसे खत जी। And by the way, good dramas. All three good, enjoyable, entertaining dramas. बिल्कुल, all three. बिल्कुल. पता नहीं आप किसका रिव्यू एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आजकल मैं और आमना डिस्कस कर रहे थे, हमने बोला कि हम शेड्यूल लगा देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे और आमना को खुद भी नहीं आजकल समझ आ रहा कि कौन सा ड्रामा कब आ रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है, और अपेरेंटली अखाड़ा की एक ही किस्त है जितना मैं देख सका हूँ, समझ सका हूँ। आपने कल भी मुझे बोला कि अखाड़ा की 2 किस्तें आनी थी इस हफ्ते जी, बट जहाँ तक हमारी इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है अखाड़ा की एक ही किस्त आनी है। तो हम वेंसडे को जो किस्त आई है उसी को रिव्यू कर रहे हैं। अगर फॉर सम रीजन थर्सडे को एपिसोड आगे भी है तो फिर हम देखेंगे और उसको बाद में रिव्यू करेंगे। हम इस रिव्यू को भी आगे ले जाएंगे, फिर हम फिगर आउट करेंगे कि क्या करना है। तो विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। जी, कहाँ से शुरू करेंगे? खुशबू में बसे खत। यार इट्स वेरी इंजॉयबल। मैं वही सोच रही थी इस ड्रामे को देखते हुए कि ये एक अच्छा इंसाइटफुल और डेप्थ वाला ड्रामा है। व्यूज क्यों नहीं आ रहे? व्यूज नहीं आ रहे इसलिए कि हम लोगों को आदत होगी टिकटॉक की। हम तो देख रहे हैं, मतलब लोगों को, सबको आदत होगी फास्ट रैपिड एक्शन की। जब तक सनसनी ना हो, जब तक सेंसेशनलिज्म ना हो, ड्रामा ना हो, एडवेंचर ना हो, वायलेंस ना हो, वो हर चीज के तड़के ना लगे हो ना, तो वो खाली ड्रामा कोई नहीं देखता। जबकि दिस वुड बी अ क्लासिक पीटीवी ड्रामा ऑफ द गोल्डन ईयर्स, यू नो, अगर आप देखें तो। इट्स अ वेरी सॉलिड ड्रामा। अब जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट बड़ी स्ट्रांग हुई हुई है हर एक की। आप सिर्फ उसका कैरेक्टर देख लें, आप हुस्नी का, वो जो है हुस्ना हुसैन हुस्नी, उसका तलफ़्फ़ुज़ इतना गलत है उर्दू का, और जब वो शेर वगैरह पढ़ रही होती है आपको पता है कितना हल्का है, लेकिन जो फीडबैक उसको आ रही है, आप कहते हैं यार ये बड़ी अच्छी डायरेक्शन और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि वो फ़क़त को भी फ़क्त कहती है, और यू नो, और उसको नहीं बोलनी आ रही, और जो टीचर मना कर रही है उसको, मतलब द होल डायनामिक यू कैन सी इट्स वेरी वेल थॉट आउट। इट्स अ रियली गुड ड्रामा। और मुझे पता चला है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स मेकिंग तो अदनान के ऊपर ज्यादा वो होती थी स्क्रूटनी कि आपने एक लफ्ज भी गलत नहीं कहना, बिल्कुल। तो वो कहते थे कि यार मेरे पे इतना क्यों है, तो बिकॉज उनका किरदार सपोज टू से एवरी वर्ड करेक्टली। सो ये ऐसा नहीं है कि अगर किंजा ने अगर कोई किंजा के किरदार ने अगर कोई गलत तरह से प्रोनाउंस किया लफ्ज तो ये ओवरसाइट है, नहीं है, इट्स मेंट टू बी दैट वे। और वो इंटेंशनली ऐसे है और इसीलिए वो इतनी आई थिंक किंजा डिजर्व्स अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन बिकॉज शी इज डन इट सो नेचुरली कि आपको ये नहीं लगता कि यार कि शी इज ट्राइंग टू एक्ट एंड देन से दीज वर्ड्स इनकरेक्टली। इट सीम्स लाइक यू नो दिस इज द पर्सन एंड वो इसी तरह से बात करती है। यू नो वी नीड टू रियली ओपन आवर माइंड्स एंड आवर for these young actors because मैं वही देख रही थी कि comparing this with अखाड़ा for example and I really love Sonia as an actor and everything but the college girl का जो है ना role वो अब ये younger lot को ही suit करता है and as seasoned as the older actors are and you know they have lesser inhibitions and they're very good performers but college student का role जो है ना वो इस age group को ही suit करता है। I mean she looks like a college girl right, she is younger and her screen age is younger and she looks like a college girl। और जो वो बोंगियाँ मार रही होती है और वो आपको believable लगती हैं। The whole persona character का बनता ही तब है जब एक हर चीज़ पूरी fit हो रही हो। You know तब हुआ क्या, उसने अपनी ring light खरीद के अपना channel खोल लिया TikTok का, TikTok खोला या whatever TikTok, और उस पे वो जाके दो अपने शेयर जो है वो अर्ज किया है और इतना कोई पैड़ा शेयर होता है वो कि कोई हद नहीं। मैंने कहा ओह माय गॉड, लेकिन क्या उसको अप्रिसिएशन मिलती है। जख्मों पर नमक ना चाहिए, नमकदान कम है। ओह माय गॉड, मैंने कहा शायद फूल और कांटे होंगे या नमक कम है, नमकदान कम है, इतना बुरा शेयर। लेकिन जी रिजवी साहब ने भी उस पर कॉमेंट दिया है। अब रिजवी साहब कौन है हमें नहीं पता। रिजवी आई थॉट वाज सलीम मिराज। नो 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 नो, शरियार और अफाकी साहब रात को बैठ के कह रहे होते हैं। बट वो जो वॉइस नोट आता है वो नहीं, शरियार नहीं है, वो रिजवी साहब है। मुझे तो लगा वो सलीम मिराज इज पुटिंग अप दैट लाइक डीप वो वॉइस। हेलो जी बहुत अच्छा है। नो बिकॉज अफाकी साहब कहते हैं कि यार रिजवी साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया है, उनका भी आप देखें कॉमेंट आया है, तो रिजवी साहब अब ये है भी करेंगे अब इस किस्म को। आई थॉट कि वो एक कोई फेक प्रोफाइल टाइप कुछ शरियार ने इस तरह की बनाई। बट हाउ डज अफाकी नो दैट देयर इज अ रिजवी साहब who's a bigger poet than even Ahmed Zaryab? Okay, थोड़ी confusion है। मुझे ऐसा लगा कि रिजवी something but अच्छा मुझे लगा कि शहरियार हो सकता है, हो सकता है। But anyway, there is the रिजवी साहब now who's appreciating and now this friend का character बड़ा अच्छा है जो दोस्त जो है well performed by very well performed by her। I mean heroine potential completely, acting भी आती है, तलफ़ुज़ भी ठीक है, look भी सही है, वो कहती है कि you know मैंने शायरी लिखी, कहती है ये तुमने नहीं लिखी, वो तो बोलती भी ऐसे है हुस्ना। अब मुझे लगा यहाँ पे कि हुस्ना is going to grab this opportunity। ये बड़ा interesting scene था। मुझे लगा ये कहेगी कि ये मैं अपनी तरफ से ना अपनी तरफ से चोरी कर लेती है उसकी, बट नहीं करती, वो नहीं करती। at some point करेगी वैसे। वो कहती है मैं अहमद ज़रियाब को भेज दूँ, कहती है भेजो भेजो, सोचती है फिर कहती है भेजो भेज, क्या याद करेगी किससे पाला पड़ा। यार मैं किंजा को दोबारा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। वो जो टीचर के साथ सीन था ना जी, टीचर से बात करने से पहले, टीचर के साथ बात करते हुए और टीचर से बात करने के बाद हाँ। ये जो फ्लो ऑफ इमोशन था ना और एक्सप्रेशन वो बहुत मजे का था बिकॉज पहले उस तिड़ में एक होती है कि हाँ हाँ क्योंकि वो थोड़ी सी फेमस हो गई है और इस तरह की जो टीचर्स होते हैं ना हम लोगों की खूबसूरती से जलती हैं वो सारी बात करके टीचर के पास जाती है, टीचर से बात करना शुरू करती है। तो शुरू में भी थोड़ा सा शी इज लाइक के हाँ मतलब क्या है मसला, हाँ तो तुमने कंप्लेन की मेरे बारे में, हाँ तो आपने भी तो मेरे साथ गलत की हो, हाँ मैंने लिखा है सब कुछ पढ़ लें। हाँ तो वो कहती है मैंने प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने कहा रेस्टिकेट कर दो। तो फौरन नहीं ना जो उसका चेंज ऑफ टोन और एकदम चेंज इन बॉडी लैंग्वेज था, नहीं वो तो मेरी पुप्पो ने लिख दिया है, उन्होंने कहा था ये वो सॉरी एक चांस क्यों लिखा है, कोई बैकग्राउंड है। हाँ वो कोई आपस में खार खाती हूँ ना, तो अच्छा सॉरी वो जो एकदम सडन चेंज इन बॉडी लैंग्वेज। और फिर उसके बाद जो तीसरा था वे दोस्त के साथ, उसमें ऊपर ऊपर से बन रही है लेकिन अंदर अंदर से थोड़ी वो भी है कि यार के हाँ मेरे साथ हैंड हो गया है। सो वेरी वेल पोर्ट्रेट बाय, वेरी वेल पोर्ट्रेट। जैसे आपने कहा कि किंजा में भी बहुत पोटेंशियल है और जो हमारी ये वाली जनरेशन है आर्टिस्ट की, वी नीड टू गिव देम मोर क्रेडिट। देखिए, वी नीड टू गिव एवरी जनरेशन लॉट ऑफ क्रेडिट एंड ड्रामाज नीड टू बी रिटन विद देम इन माइंड कि यू नो उनकी कास्टिंग एक फर्क किस्म की होगी. उनको आप अब उस लीग को, देयर इज अ लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर्स, बिल्कुल है, उनको आप इसमें नहीं डाल सकते कि जी कॉलेज लाइफ में अब आप करें. नो, आई हैव अ प्रॉब्लम विद सोनियाज कास्टिंग इन अखाड़ा. आई मीन शी डजंट, विल कम टू इट, बट यहाँ पे किंजा इज परफेक्ट बिकॉज शी इज जस्ट यू नो यूथफुल, शी इज फ्रेश काइंड ऑफ अ रिक्रूट. And जैसे अब अगर आप अहमद जरियाब का किरदार देखें, Absolutely. यार अब आप सोचते हैं ना कि यार अदनान सिद्दीकी के अलावा कौन करता. मेरे नहीं, अक्सर मैं सोचता हूँ ये बातें, तो मुझे लगा यार बहुत अच्छी कास्ट, उम्दा कास्टिंग हुई है कि अदनान सिद्दीकी जैसा गुड लुकिंग सुहाव इंसान कैरेक्टर, प्लस आपने जो उनका तलफ्फुज है शायरी, स्लाइटली ओल्डर ऑल्सो, बट यू नो ही फिट्स द रोल सो वेल. तो अब किसी ने जिसने कैरेक्टर लिखा, सोचा, तो उन्होंने किया होगा ना यार किसको करें किसको रखें, शायद किसी को रखें. मेरे ख्याल में कर सकते थे और भी लोग, बट ही इज ऑल्सो परफेक्ट फॉर इट. ये वो जनरेशन है जो कर सकती है, बड़ी वर्सेटाइल जनरेशन है, वेरी गुड एक्टर्स. व्हेन आई कुड सी एन आसिफ रज़ा मी डूइंग इट सो वेल. वो ओल्डर, मैं वही कह रही हूं ना कि ओल्डर जनरेशन, वो ओल्डर चले गए ना. हाँ. ये जो एक जनरेशन है जिसमें ये दे हैड यूज्ड टू प्ले लाइक यू नो मिडिल एज मैन, उसमें कम है. बट यू टेक अ फैसल कुरैशी और रिजाज असलम और सब कर सकते हैं. बट अदनान, मैंने कहा ना, इट्स लाइक ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ. ये बात है, एक जो परफॉर्मेंस में एक नेचुरलनेस है, फ्लेयर है एक जैसे फोन के ऊपर यू नो अगले एपिसोड के प्रोमो में यू नो इज अगेन ड्रंक एंड woke up in the middle of the night. So wo main you needed to have somebody who had the charm and the suave but was a bit turkey and you know but somebody who's like you know in equal parts a charmer and also a not so nice man, like a rude person. No, so yeah, not so nice man and a charmer and yet not turkey completely in a sleazy way. And yet turkey. तो वो balance बड़ा delicate है. अदनान ने बहुत अच्छा किया है. यार वो जो सीन था सिद्रा के साथ, हाँ, सिद्रा का हाथ पकड़ के प्रॉपर, बड़ी केमिस्ट्री थी भाई वहाँ पे मिस पेनी के साथ. ये मोमेंट्स होती हैं, हम ना मोमेंट्स बनानी पड़ती हैं, पता है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मोमेंट्स बनानी पड़ती हैं ऐसे. यार आप ना कहते तो मुझे समझ कभी ना पता चलता. मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने अब ये मोमेंट अखाड़ा में भी बनी ना, तो आई, आपको नजर आई. मोमेंट्स ही नहीं होंगी तो कहाँ से आएगी. एक बंदा अगर बबल बात ले रहा है और वो दूसरी दरवाजा बंद करके, वो भी और बाहर वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर हो रहा है, तो फिर और एक्साइटमेंट है ब्रेकफास्ट की और फोकस ब्रेकफास्ट पे है, बबल बात पे नहीं. ओह माय गॉड, क्या मंगवाऊं. एक बंदा बबल बात ले रहा है पानी खोल के, मतलब इट्स सो इनवाइटिंग, और फिर फोन पे किसी और से बात कर रहा है. एब्सोल्युटली. तो सोचे फिर केमिस्ट्री, फिर एब्सोल्युटली. और यूजुअली जो टब होते हैं होटल्स के बड़े होते हैं, ऐसे नहीं होते कि मतलब एनीवे नो आईडिया. हां, आप तो नो आईडिया व्हाट यू आर इंसिनुएटिंग हियर. बट पानी का बिल भी नहीं देना पड़ता. हाँ. पानी होता भी खुला है, खुला पानी होता है, गर्म पानी. यार वैसे ये बात है, आपने होटल्स के शावर, वेलकम टू इट, वी आर डाइंग टू गेट टू इट, ऑफ कोर्स. या द साइंस ऑफ वाटर. बट खुशबू में बसे खाती यार एक मजे का, बहुत अच्छा ड्रामा है, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा देखें यार ऑफ बीट ड्रामे. एक और इम्पोर्टेंट चीज थी थोड़ी सी हुई कि हुस्ना का जो रिश्ता आ रहा है, वो उसके चेचक के दाग हैं लेकिन दांतों का डॉक्टर है. हाँ, लेकिन उसकी अम्मी का फोन गिर गया बाथरूम में, अम्मी का फोन गिर गया, तो उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे, वो इतना सारा जो फ्रूट केक वहाँ पे पड़ा हुआ था, मैं कहा यार ये तो स्लाइस पे स्लाइस है, इट्स नॉट गुड फॉर वेट यू नो. लेकिन फोकस किस चीज पे था कि मर्दों की शक्ल कौन देखता है. सुबह जब बाहर निकल जाते हैं, रात को घर आके नहीं, as long as मर्द कमा रहा है, मर्दों की वही कह रही है ना, सुबह वो बाहर निकल जाते हैं काम करने, रात को आके सो जाते हैं सोने के लिए. आई वुड थिंक कि शक्ल देखनी पड़ती है, लेकिन नहीं, बच्चे ऐसे तो पैदा हो जाते हैं, आंखें बंद करके भी हो जाते हैं कई दफा. यार किस जोन में आप ले जाते हैं यार, आप लोग क्या चीजें हैं आप लोग, यार आप क्या चीज है वैसे, क्या आप लोग हर लाइन को आप वहां ले जाते हैं, आप लोग पता नहीं क्या है आप लोगों के साथ. एनीवे जी, तो अगली प्रोमो में हमें पता चला है कि वो उसना को पता चल जाएगा कि क्या वो माँ नहीं है उसकी अपनी, के अडॉप्टेड है. नहीं, वो तो हमें तो इसी एपिसोड में पता लग गया ना. हाँ, कि वो व्हेन द फादर एंड द मदर आर हैविंग दैट कन्वर्सेशन, कि मुझे वो ताने देती है कि मैं सोतेला सोतेली होती है, सोतेली माँ, तो माँ तो नहीं है उसकी अपनी. आई थिंक अगली एपिसोड. बट शी आल्सो सेज कि मैं अपने बच्चों, दूसरों के बच्चों को अपने कौन से हैं, तो है कोई सीन है, इंटरेस्ट दिया उन्होंने हमें कि यार आप करें जी. अच्छा मजे का ड्रामा है, और एक कहानी एक लड़की की है कि जो अपनी हिडन या नॉट सो हिडन पोटेंशियल तो उसमें जो दिखाया गया है जिस हद तक, कि यार कि वो खूबसूरती इज व्हाट इट इज, राइट, कि ठीक है शायरी आती है नहीं आती, तलफ्फुज ठीक है या नहीं है, But that's the TikTok world today. As long as your young pretty things just get away with everything, you know, they can. But उसको बड़े अच्छे एक nuanced तरीके के साथ पेश किया जा रहा है, तो that's great. It is in equal part relevant and also poetic. Yeah. कभी-कभी मैं बात कर जाता हूँ. कभी-कभी आप इतनी गहरी बात कर जाते हैं. मैं कर जाता हूँ मैं. अल्लाह की तरफ से होती है आमद. खलील रहमान कमर कहते हैं. बुलाई आप तो मैं तो कहती हूँ. मैं हूँ. वो भी कहते हैं, खलील साहब भी कहते हैं मेरा स्क्रिप्ट मेरा नहीं है, हाँ, मैं तो बस एक मुंशी हूँ. मुंशी आमद होती है. आप भी आमद हो रही है. मुझे भी आमद होती है. मूविंग ऑन टू देन अखाड़ा. I really enjoyed अखाड़ा. अखाड़ा की सेकंड एपिसोड सुप्रीमली एंजॉयड. क्यों आपके लिए एंजॉयमेंट की वजह क्या थी? मेरा ना वो जो पूरा बिल्डअप था सुल्तान के दंगल का, मैंने उसको बहुत एंजॉय किया और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ फराज की परफॉर्मेंस को. एब्सोल्युटली. आई थिंक उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, आई वुड लाइक टू से दिस राइट नाउ दैट फराज फारूकी इज हीरो मटेरियल. ये जो साइड रोल्स हैं ये बहुत ज्यादा है कास्टिंग एजेंट्स की और प्रोड्यूसर्स की और डायरेक्टर्स की कि उनको रेलीगेट किया गया है. उन्होंने इसमें साबित कर दिया है 2 एपिसोड्स में कि ही इज हीरो मटेरियल. ही इज गॉट द लुक्स, ही इज गॉट द एक्टिंग, द परफॉर्मेंस, द स्क्रीन प्रेजेंस, ऑल ऑफ दैट. बल्कि मैं एंड द बॉडी, बल्कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, ही इज नॉट टीवी हीरो मटेरियल, ही इज फिल्म हीरो मटेरियल. ये तो फिल्म पे देख के पता चलेगा. आई डोंट नो क्योंकि देखें प्रेजेंस होती है एक एक्टर की प्रेजेंस. जब जब एक वो था, एक शॉट था बैन वो जब उसको पटकता है, क्या नाम है दूसरे दस्तगीर का, दस्तगीर पटकता है ना, तो ही गेट्स एंग्री एंड एंगर में देयर वाज दैट शॉट. मैं चाहूंगा अगर यहाँ पे चलाओ यार, मेरे से पूछ लेना कौन सा शॉट था. तो वो यू ऐसे एकदम उठता है, गुस्सा करता है, देन ही टर्न्स अराउंड. दैट वाज अ वेरी फिल्म वाला एक मूवमेंट. सो आई बहुत पोटेंशियल है, इट वाज वेरी गुड. बहुत पोटेंशियल है एंड वही बात है डिफरेंट स्टोरीज बनाएं ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टर्स जो है वो कास्ट हों. मैं बीइंग अ पंजाबी, मुझे जो चीज एक महसूस होती है वो एक्सेंट है पंजाबी. पंजाबी फिरोज का भी फराज का भी, वो मुझे लगता है कि यार ना बोलें तो फिर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जब बोलते हैं आधी बोलते हैं और आधा बोलते हैं सिर्फ एक्सेंट को थिक करके, तो मुझे बहुत मेड अप लगता है. सो ऑनर इज अ बिग थीम. बड़ा अच्छा डायलॉग था कि माँ तुमने जान मेरी मांग लेती लेकिन तुमने मेरा मान मांगा है. तो बड़ा ये बहुत अच्छा डायलॉग, वेरी गुड डायलॉग. यू नो बड़ा फर्क है लाइफ इन ऑनर में. तो ऑनर तुमने मांग लिया है. बहरहाल वो नहीं करना चाहता, फिर माँ को ख्वाब आता है, कहता है कुश्ती मेरा ईमान है. ईमान है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो बड़ा अच्छा बिल्डअप एक तो पूरा हो रहा था कि उसमें खाड़े में जाना है दस्तगीर के साथ. ये वो माँ भी रिलीज़ कर देती है अपनी ओथ पे से, जाके वो लड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. साइड पे इश्क मुटक्के चल रहे हैं. आप जहाँ पे आपने माँ का जिक्र किया, अगर मैं जो अपनी बात मैंने करनी थी जो मैंने जी आपने जो नीम के मुताबिक नहीं नियम और मजाजी खुदा का जो था जी. अब वो माँ कहती है कि मैं बेटे को कि यार एक तरफ मेरा बेटा है और एक तरफ उसकी वेलबींग है और उसको प्रोटेक्ट, उसकी हेल्थ और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ मेरे मजाजी खुदा उनकी इज्जत है. तो मैं कहा मजाजी खुदा की क्या होती है? आप क्यूरियस हुए तो मैंने फिर क्यूरियस हुआ, फिर मैंने गूगल से रब्ता किया. तो हिंदी में जो होता है ना पति परमेश्वर, उसको आप समझ लें कि हम ले गए हैं मजाजी खुदा. तो नियम से मुझे हिंदी का वो हुआ, नियम में हिंदी का लफ्ज, उससे मैं पति परमेश्वर पे गया. पति परमेश्वर को मैंने फिर मजाजी खुदा से लिंक किया. मजाजी का इटसेल्फ लिटरल मीनिंग है मेटाफोरिकल. सो मैं हमारी बिलीफ भी है कि यार के खुदा तो एक ही है. मैं तो मेटाफोरिकल भी किसी को नहीं समझ सकता, मेरे करीब ये शिरक है जी. तो ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आई थिंक हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये क्योंकि किसी और ड्रामे में भी हमने सुना था, तो ये हर दूसरे तीसरे ड्रामे में बगैर इसका मतलब समझे इसको कर दिया जाता है. और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मैंने इसका मतलब गलत समझा है तो भी मुझे बता दें. लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद इसको समझते हैं कि खुदा का नायब, तो वो भी है कि यार खुदा के से ना चीज़ें मेरी नज़र में एसोसिएट और इस तरह से नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना है. और आई थिंक हमारा दीन भी हमें यही तलकीन करता है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है. तो इसको इतना फ्रीविलसली स्क्रिप्ट्स में और नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. अच्छा, आप तो बहुत एक रूहानी एंगल से आ रहे हैं, खुदा और शिरक और उसके तरीके से, वो भी बात बिल्कुल सही है, ऑफ कोर्स 100%. मैं तो दुनियावी लिहाज से भी कह रही हूँ कि यार आपका मियाँ जो है वो उसको इतना एलिवेट ना करें हस्बैंड्स को कि आप उनको उस दर्जे पे बिठा दें इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ व्हाट दे आर एंड हु दे आर. आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग्स हियर, दे आर फ्लॉड, दे आर ह्यूजली फ्लॉड. और किसी को कहना कि कोई इतना अभी आला दर्जा रखता है जिसको आप तो मैं तो ह्यूमन एंगल से भी कह रही हूँ कि इतना आला दर्जा ना दें भाई, इंसान है, इंसान को इंसान ही समझें। हाँ, इंसान को खुदा के साथ तो किसी आपका तस्वुर भी नहीं करना चाहिए ना, नहीं खुदा के साथ आप हाउ आई मीन नहीं, गलत है, गलत है। और इसको बड़े कैजुअली हम कर देते हैं कि अच्छा मैं तो दुखियारी, तो वो मेरा मजाजी खुदा, तो मैं मेटाफोरिकल गॉड। ओ क्यों भाई, नॉट नाइस। इकबाल पढ़े, इकबाल अपने अंदर, इकबाल खुदी को कर बुलंद, बुलंद अब इतना तो मतलब है कि एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू 100%। बट इट्स नॉट खुद ही, इट्स खुदी, राइट? खुदी इज खुदी, या आई नो, खुदी, खुदी को समझें आपके खुदी का क्या मतलब। एनीवे तो ये माँ खाला रिलीज कर देती है, उसको सारा कुछ होता है। अब साइड पे चल रही है जी आंख मटक्का। मैंने पसंद किया उसको, मैंने क्यों पसंद किया, मुझे यार आई लव द फैक्ट कि दीज टू गर्ल्स प्लेड बाय सरा एंड बाय हिना आफरीदी, दीज टू गर्ल्स हैव दिस लवली रिलेशनशिप एंड ये यू नो जो गाँव की जो गोरियाँ होती हैं वो दोनों, एंड आई लव दैट यू नो उनको कोई इनहिबिशंस नहीं। वो कहती हैं कि हाय कोई शायद आंख यू नो लड़ जाए किसी के साथ, कोई मिल जाए, कोई नजर आ जाए। वो कहती गांव वाले तो नहीं तुझे भाइयों से डरते हो, कहते शहर वाले भी तो आते हैं, शहर वाले भी आते हैं और मैं तेरी खैर हो जाए, कहती जिंदगी जीनी है यू नो। तो आई लाइक दैट फैक्ट यू नो, शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके आपने लड़कियां दिखाई हैं हु हैव अ विल टू लिव यू नो, उनके भी कोई दिल के अरमान है। और वो कहती मुझे अच्छा लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अच्छा लगा। एग्जैक्टली, आई रियली लाइक दैट। आप सोचिए हम कितने नॉर्मल उसके लिए तरसे हुए हैं रिलेशनशिप्स के लिए कि कज़न्स के बाहर आप नहीं निकलते, ये निकल आए हैं, आप इसके बारे नहीं निकलते कि कोई लड़की की भी पसंद हो सकती है या उसके दिल भी अरमान भी हो सकते हैं। नहीं, आपने दिखाया है ये। इट्स रियली नाइस, टू प्रिटी गर्ल्स इन अ मेला, यू नो दे आर लाइक दे वांट टू मीट समबडी एंड दे आर इन अ सिक्योर इनफ एनवायरनमेंट वेयर दे कैन स्टेप आउट एंड लाइक यू नो बी देमसेल्व्स। वो दूसरी तरफ वो जो सोनिया का किरदार है सितारा, वो भी आराम से फिर रही है मार्केट में, कोई इशू नहीं है, हालांकि उसका बैग चोरी हो जाता है। बैग किसी का भी चोरी हो सकता है, चलो ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट यार कि मतलब यूजुअली जिस तरह की क्राउडेड हम जाना पड़ता है, तो कहीं पे अगर आप चले जाए गलती से तो आपको बड़ी फिक्र होती है यार कि अच्छा वो पता नहीं क्या है क्या। तो मुझे अच्छा लगा कि ये दिखाया यार। एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट अगेन टू द टीम कि यार कि उन्होंने वो जो मेला था, ऑफ कोर्स असल में तो नहीं मेला था, बट एक जगह उन्होंने अखाड़ा किया होगा सेटअप, दूसरा कहीं असल में किसी मार्केट में जाके ये शूट किया होगा। तो इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। यू कांट टेल के यार के कहाँ पे आपने खुद सेट बना के शूट किया है, कहाँ पे आप एक्चुअल किसी मार्केट में जाके किसी मोहल्ले में जाके आपने शूट किया है। तो इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड। Absolutely. So now coming to Sonia and her acting and her entire persona on screen, I am her biggest fan. I have always maintained this, I am Sonia Hussein's biggest fan. She's beautiful, she's a very good actor and she has a great sense of personal style. Lekin somehow on screen, I feel that in the last few projects, सोनिया नीड्स टू टोन इट डाउन अ लिटिल बिट, देयर इज टू मच स्टाइलिंग हैपनिंग। एक तो ये है कि यार आप मेले पे आए हुए हैं, इतनी हाई हील की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो लास्ट एपिसोड में मैंने उनकी हील की बड़ी तारीफ़ की थी, मगर कॉलेज भी कोई इतनी हील पहन के नहीं जाता। यहाँ पे आप मेले पे आए हुए हैं जहाँ कच्ची सड़क है या व्हाटएवर है। हैड शी बीन इन स्नीकर्स और खुस्सास और समथिंग, इट वुड हैव बीन बेटर। प्लस शी इज़ टू स्टाइलाइज्ड, देयर इज़ टू मच मेकअप हैपनिंग, देयर इज़ टू मच कॉइल्स इन द हेयर हैपनिंग, थोड़ा सा नेचुरल। बट शी इज अ गर्ल फ्रॉम द सिटी, राइट? शी इज अ गर्ल फ्रॉम, बट आल्सो शी डजंट आल्सो लुक लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट, शी डजंट लुक लाइक अ यंग कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि तैयार तो सिरा और वो भी हुई हुई थी, वो लग रही थी ना कि वो तो गांव की है, ये शहर से आई है तो शहर के हिसाब से। लेकिन वो जो आपकी रेशमा तैयार हुई हुई है, कस की चोटी उसकी बनी हुई थी जिस तरह गाँव की लड़कियां बनाती हैं, बहन हिना कस की उसकी चोटी बनी हुई थी, सरा के भी स्टाइलिंग ऑन पॉइंट थी बिल्कुल। सोनिया का मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक है कैरेक्टर के साथ जो एज ग्रुप दिखाया हुआ है, और ओवर स्टाइलाइजेशन हुई भी है। सोचिएगा नेक्स्ट टाइम आप देखें तो, एक हील पहन के जाना यू नो। अच्छा मुझे आपको पता इतनी समझ नहीं लगती, मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात के बाद अब जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट लाइक के जो ये दो गांव की लड़कियां थी ये तैयार नहीं हुई थी, तैयार ये भी उतना हुई का फर्क था बहुत, तैयार उतना ही हुई थी, लेकिन क्योंकि ये आपने तैयार होते देखा भी उनको, चूड़ियां पहन रही हैं। हाँ तो तैयार ये भी बहुत हुई थी, तैयार बेशक हुए हैं तो वो भी वो शहर के हिसाब से तैयार हुई थी, जो अपनी जिस तरह वो जाती होगी शहर में वो उस तरह से तैयार। यार शहर वाले भी जब गांव वगैरह जाएंगे तैयार जरूर होंगे। पॉइंट यही था ना, इसलिए वो उसको वापस भेजता है कि जाओ तुम कपड़े चेंज करो। इवन कपड़े, मैं मुझे हील से प्रॉब्लम है। ओके मुझे हील से प्रॉब्लम है, बट देयर इज आल्सो ओवर स्टाइलाइजेशन आई फील। दूसरा आपका पॉइंट जो है वो मैं कंसीडर जरूर कर सकता हूँ कि यार के एक्टर्स इंक्रीजिंगली we see playing characters of different ages or different age groups. तो ये एक चीज़ है, ये तो आप I just feel that you know when we're casting, हमारे जो casting agents हैं ये producers ही होते हैं, वो stars को पकड़ के मतलब they're holding on to stars. जबकि अब वक्त है that you allow a new crop to become a star as well, not to take away from them. मैंने बताया ना ये तो extraordinary league है, ये बहुत अच्छे अदाकार हैं। मेरी में requirement थी दानानीर और खुशाल की, तो हमने आप डाल देते older ना work करता। The same with here कि आपने you know work with the younger actors, they need to also get that opportunity to do the big lead roles. No, not to take away from Sonia's performance. वो जो उनका eye lock interlocking eyes वाला moment होता है, she is very good. और आपको chemistry भी feel होती है. And Feroz is so good in that scene. You know आपको लगता है कि छोटा सा जवान सा वो है, क्या कहते हैं, छड़ा टाइप लड़का है, उसको मस्कुलर भी है, वो भागा भी है, पीछे लेके भी आया है, आंखें भी लड़ी हैं, रैपर बनना चाहता है, अल्लाह हमें बचाए उस रैप से लेकिन ये कि आंखें भी लड़ी हैं और लड़ाई शड़ाई और यू नो फैंटेसाइज भी अब उसके बारे में कह रहा है, वो बड़ा रियल था, बड़ा अच्छा परफॉर्म था। नहीं फिरोज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर या थोड़ा सा स्टाइलिंग we saw less of Feroz, not as much. But whatever we saw was I feel that 2 or 3 episodes now have been given to Sultan because Sultan is going to now exit the picture. I feel really bad though because agla match se wo haarne wala hai. Pehle mujhe laga ki shayad isi mein kuch ho jaye uske sath, I was happy. No, I was quite confident that he'd win this one because baap ki pagdi wagaira aage leke jani hai, agli dafa to wo haar raha hai, कोई वो 2 नंबरी करेंगे, कुछ 2 नंबरी करेंगे जो उसने कहा है। नो प्लस उन्होंने वो भी सेट कर दिया ना कि निकाह कर रहा है, तो वो पहलवान को निकाह नहीं कराओ, वो लड़ेगा कैसे, you know, उसकी मोजो निकल जाएगी, whatever, सारी कहते हैं ना, he loses mojo, yeah. कभी-कभी मुझे लगता है I'm talking to a giggly teenager. यार आप बात ऐसी करते हैं, giggly करते हैं, मोजो निकल जाएगी, मोजो कान निकल जाएगी। आपने फ्रेंड्स के एपिसोड में नहीं देखा था? But जब उसका इंस्ट्रक्टर उसे कहता है उस एक कैरेक्टर को कि स्टे अवे फ्रॉम योर गर्लफ्रेंड एज लॉन्ग एज यू डोंट ब्लिंक, आपकी एनर्जी सारी जो रोमांस और उसमें वेस्ट हो जाएगी, चैनलाइज करो, तो वो ये कि उसकी सुल्तान बेचारे की जो एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं होगी। बट क्या होगा कि उसको यू नो ही विल बी हार्म्ड ड्यूरिंग द फाइट और समथिंग, बट इंट्रिगिंग राइट, मजे का यार, बहुत अच्छा एक वो जो सेट की हुई है ना उन्होंने जगह और जो दुनिया उन्होंने क्रिएट किया है, वो है काशिफ का जो कैरेक्टर है ये रुस्तम, उसकी आंख लड़ गई है अब। हाँ वो भी अच्छा सीन था कि वो कहता है कि हाथ पकड़ा है गलती से इसलिए छोड़ दिया, पकड़ा नहीं, और उसको भी इसका अच्छी लगी है, वो उसको लाइन अच्छी लगी। उसने कहा मुझे खलील साहब का फोन मैंने कहा मुझे खलील साहब का फोन आ गया रात को कि ये लाइन अच्छी है, लाइन अच्छी थी। नहीं उसकी आंख लड़ गई है अब रेशमा के साथ, नहीं बट वो ना मुझे डायनामिक उसकी ये अच्छा था, बट वो मदर के साथ जो डायनामिक है और फादर, वो मुझे नहीं थोड़ी क्यों पता नहीं वो अजीब सा मुझे लगा, क्योंकि बाप एक तरफ पिछली बार जैसे मैं कह रहा था कि थोड़ा सा दिखाया है एक यू नो उसमें थोड़ा सा मस्खरापन नजर आ रहा है। वानबी पठान है ना, वानबी पठान कहती है, वानबी पहलवान है, वानबी चौधरी भी लगता है मुझे, वानबी चौधरी नहीं लगता चौधरियों को यार क्या आप स्टीरियोटाइप कर देते हैं, तू चौधरी है, तू बा फैसले कर, तू ये कर, भाई क्या चौधरी कुश्ती नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते अपेरेंटली नॉट। हां नहीं यार ये क्या है चौधरियों का, बट यार बहुत एंजॉयबल है, एंजॉय मजे का, बहुत मजे का है। Moving on to okay, खुदाफिज यार, बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा, अब हमारे पास करने को कुछ नहीं है। ये था अखाड़ा में, ये लड़कियों ने मैच नहीं देखा, ये अजीब लगी मुझे बात। ओ भाई उसके भाई ने नहीं देखा, उसके भाई ने देखा नहीं, भाई तो चलो ठीक है, वो जो छोटी है उसका तो मंगेतर है सुल्तान, उसको ना देखने गई, वो कह रही ना उसके तुम्हारे चक्रों में। हाँ एग्जैक्टली, उसने कहा, उसने क्लियर कर दिया, लेकिन हाँ मुझे ये था कि लड़कियों को मैच देखना चाहिए। मैं तो ये भी सोचा था, फिर उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वो गुम गई थी वहाँ पे, सोनिया का कैरेक्टर, मैंने कहा वरना तो वो साई की तरह उसके पीछे पीछे गुम गई ना, मेलों में हो जाता है, कुंभ के मेले में लोग बिछड़े हुए साल मिले, ये तो हमें पता है ये बात। उस जमाने में खैर फोन नहीं होते थे, सिग्नल नहीं होंगे ना यार गाँव में, हर जगह थोड़ी आपको पता है आजकल सिग्नल्स वैसे बड़े वीक हैं। मैं वो मेरे लंदन में नहीं चला, वो उस पे 5G आ रहा था तब नहीं चलता था, सोचें यार अगर आप लंदन में आप वो 3 मत लिएगा, मैं वो हो गया, मैं गया मैंने कहा विच इज गुड, इंग्लिश में मैंने बात, मैंने कहा विच इज गुड, उन्होंने कहा दिस गुड, मैंने कहा ओके थैंक्स, हमें क्या पता वहाँ पे गया, वो मैंने ले लिया, वो नहीं चला वो सिग्नल, मैंने कहा मैं लंदन में हूँ, कहाँ हूँ यार, सिग्नल नहीं चल रहा, हेलो हेलो, व्हाट इज दिस, नॉट गुड, नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। की 26वीं और 27वीं किस्त। अम्मा कुछ है नहीं इसके बारे में कहने के लिए यार, क्या यार मैं चाहता हूँ कि आप शहजाद नवाज का इंटरव्यू करें। मैं करना चाहती हूँ। करें ना आप, क्यों नहीं कर रही हैं आप शहजाद नवाज का? कर लेती हूँ क्योंकि मैं करूँगा तो वो बात नहीं आएगी जो आप करेंगे। क्यों? मैं चाहता हूँ कि आप, कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक आईने में जब दो लोग बैठे होंगे तो कैसा इंटरव्यू होगा। एक शख्स आईने के इस तरफ, मैं अपने आप का आप इंटरव्यू करेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा अच्छा, मैं वो एक्सपीरियंस करें। बल्कि मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और जब आप इंटरव्यू यार। लेकिन इस बार ने मुझे लेट डाउन किया। क्यों? इतने वो परेशान हो गए अपनी बीवी को देख के। उनको जो रिएक्शन उन्होंने अगले एपिसोड सीन में दिया था वही पहले देना चाहिए था। मुझे फोन आया, मुझे फोन आया। किसका? मुझे पाकीजा औरत का फोन आया। ओह ओके। उसने कहा कि मुझे लोग, यही वाली खातून जो थी? नहीं। अच्छा। एक पाकीजा औरत का फोन आया, उन्होंने कहा कि यार सिंबॉलिकली मेरा इस्तेमाल किया जाता फ्रेज के, वो इतनी पाकीजा औरत थी, पाकीजा खातून थी कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आग लगा दी अपने आप को। उन्होंने कहा ये कौन सा मेरे लेवल पे पाकीजा मर्द आ गया मार्केट में, मुझे जानना है कि ये हसन तुम ड्रामे देखते हो, मैंने सुना। मैं अपसेट हुई। उन्होंने कहा यार कि डोंट टच मी, दूर 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 रो मेरे से। हैं थोड़े लोन वो बैठी सोफे पे, वो सोफे से उड़ गए वो। यार आपको पता है कि जिस तरह आसिफ अंकल ने अपनी इज्जत बचाई है इस किस्त में, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ। बड़ी बड़ी पाकीजा औरतों ने कह दिया यार कि ये हमसे ज्यादा पाकीजा मर्द। यार ये आसिफ अंकल का ना एक फेटल फ्लॉ नजर आ गया। क्या? या फ्लॉ कहें या और उनके कैरेक्टर की अच्छाई कहें कि जो भी जैसे भी वो करप्ट है, वो अपना मोजो जाने निकलना नहीं देते। वो चाहते मेरा मोजो ना निकले, नहीं निकलने दिया उन्होंने। उन्होंने क्या कि मेरा मोजो निकलने के करीब भी ना पहुंचे। ये किसने मुझे सोचने पे मजबूर किया, हाँ। कि इतने साल हो गए उनकी बीवी को वफात पाए हुए, मोजो नहीं निकला उनका। लेकिन उनकी जिंदगी में कोई और औरत नहीं है, नहीं है। यार ये हो नहीं सकता। आपको पता है मिस्टर आसिफ जैसे मर्दों से मेरा बहुत गहरा था। ये नहीं होता सर, नहीं सर नहीं। यार अब ये मिस्टर आसिफ से पूछना पड़ेगा कि उनका इंक्लिनेशन क्या है। नहीं नहीं नहीं, उनकी इंक्लिनेशन सही है, उनकी सही है। गे डार मेरा बड़ा स्ट्रांग है। नहीं नहीं, इंक्लिनेशन उनकी सही है। नहीं 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 नहीं, अब इससे पहले लोग कहें कि उनके दो बच्चे हैं तो बच्चे हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इंक्लिनेशन उनकी बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं पता बच्चे हो जाते हैं? किसी ने नहीं कहा हसन, आपको प्रीएम्प्ट ना करें। किसी ने नहीं, कहेंगे अभी। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बच्चे हो जाते हैं। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं हो सकता कि मिस्टर आसिफ जैसे सक्सेसफुल, करप्ट एंड सुहाव बंदे की जिंदगी में कोई औरत ना हो। मैं आपको आप ना, आपका ताल्लुक नहीं है, नहीं है, नहीं है जी। ओ भाई औरत हो ना हो वो अलग मैटर है, औरत अगर हो तो कौन से लेवल की औरत हो, आप बात नहीं समझी। उनकी उम्मीदों में भी तो पूरा उतरना चाहिए ना औरत को यार। ये है बात। उनका एक वो स्टाइल का एक लेवल है, एक उनका एक सर्टेन टाइप ऑफ वुमन जो है वो उनको अगर होगी तो शायद वो नजर भी आता उनकी। उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर, नो डिसरिस्पेक्टेड इंटेंडेड, मैं सीरियस आपको बता रहा हूँ कि हर कैरेक्टर की एक दिखाया जाता है ना कि उनकी एक प्रेफरेंस होती है। तो उन्होंने कहा यार कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जैसे कि सर्टेन, नहीं खैर रेसिस्ट बात हो जाएगी, बट उन्होंने कहा कि मैं नहीं है मेरे वो एक जैसे नहीं, जैसे कि लेदर पैंट्स या ड्रीम बॉय होता है, ड्रीम गर्ल होती है, वैसे उनकी वो ड्रीम गर्ल। लेदर पैंट्स में कोई आती है, वो कहते कि हाँ ठीक है कर लो जो करना है, की है मैंने शादी, ऑन कर लेते वो फौरन, ऑन करते वो, इसको नहीं ऑन किया। दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका अभी मिस्टर आसिफ पे हैं कि हम थाईलैंड जा रहे हैं, एक और सवाल भी, थाईलैंड नहीं टर्की जाना था, टर्की जाना था राइट। ये बेसिकली जब आयजा और वहाज गए थे ना टर्की में अपना शूट कराने, ये बीच में आपने क्लोथिंग ब्रांड के उन्होंने कोई एक दो शूट किए थे, फैशन शूट किए थे, तो वहां जो और आयजा असल में चले गए टर्की, डेट्स नहीं थी, पीछे मैं का शूट चला था। मैं वालों ने कहा हम क्या करें, द जीनियस ऑफ मैं इज के उन्होंने इसको स्टोरी लाइन में इनकॉर्पोरेट कर दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि वहां जो आयजा असल में टर्की गए में, हम कहते हैं कि मुबशिरा और जैद भी टर्की चले गए, कोई तस्वीरें असल लगा देते टर्की की। मतलब है कि लेकिन यार अच्छी लोकेशन ढूंढी है उन्होंने। पिछली बार तो फिलेटिस था मेरे ख्याल में, पिछली वो लाहौर वो जो चेकर्ड आपकी टाइल्स थी, वो तो फिलेटिस था, बट फिलेटिस में इतने ऐसे बाथरूम नहीं देखे मैंने, शायद स्वीट में होंगे यार, आपके पाला नहीं पड़ा प्रेसिडेंशियल स्वीट में। हाँ जी, एनीवे going back to, अच्छा जी अब आप प्लीज जरा सीरियस हो जाइए। आयरा से मैं पूछ, नहीं नहीं आप पहले सीरियस हो जाइए, मैं जरा उसमें क्रोनोलॉजी में चलूंगी। अब सीन खुलता है जी, वो कहती है अपनी मुबशरा एमजे, मैं तो कहूंगी एमजे, कहती है इसको बॉय को, जैद को, कि तुम्हें टॉय को नहीं बॉय टॉय तो बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा टॉय अल्लाह ना किसी को दे। हाँ बैटरी जिसकी हर वक्त खत्म हुई हो। नहीं बॉय को कहती है कि तुम देखो सच बोलो, तुम एडमिट क्यों नहीं करते कि तुम मेरी कंपनी एंजॉय करते हो। आगे से बॉय कहता है कि डर लगता है, पहले भी ऐसा कह चुका हूँ। किसको कह चुका है पहले? इसको मुबशिरा को। कब कहा है? शुरू शुरू के किस्सों में जब वो फ्रेंड्स थे कहा है इसने, तो ये सेंस बनती है इस बात की। ठीक है मुझे नहीं समझ आई, मैंने कहा आयरा की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। नहीं फ्रेंड्स उसने कहा था ना एक बार मुबशिरा को, मुझे जो याद पड़ रहा है आई कुड बी रॉन्ग, बट शुरू शुरू में उनकी दोस्ती दिखाई गई थी ना। अच्छा फिर जी तो उसने कहा पहली बार मैंने तुम्हें कह दिया, तुम मेरे पल्ले बंद गई, तुम बीवी बन गई, अब मैं कह दूं तो पता नहीं क्या ही हो जाए, बच्चा ही ना पैदा हो जाए हमारा ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। ये बड़ा अच्छा है आपने इस पे किया। मीटिंग इनकी खत्म होती है तो ये विल्डरनेस में से निकल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं मुझे भूख बहुत लगी है। मैंने हमने रियलाइज किया है टर्की से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप गई हैं एक ही दफा। मैं भी गया हूँ एक बार। यार टर्की ग्रीन बहुत है बहुत। हाँ। इसमें टर्की में ये बात है मानने वाली, जो जो लोग टर्की गए हैं वो देखेंगे कि दरख्तों और पौधों के अलावा टर्की में कुछ। अगर ये वहाँ पे कोई 10-20 बिल्लियाँ छोड़ देते हैं ना तो मैं कहती टर्की में बैठे, टर्की में बिल्लियों की बगैर तो टर्की की कोई सड़क नहीं है ना कोई जगह। एनीवे यार एक बड़ा टेलिंग डायलॉग होता है फिर। हाँ। पहले वो आती है तो वो कहती है कि कुछ खाएं चल के, मुझे बड़ी भूख लगी है। तो जैद कहता है, बड़े लाइट हार्टेडली बड़े अच्छे मूड में होता है जैद फॉर अ चेंज, कहता है इतना कुछ था अंदर तुमने खाया नहीं। तो आगे से कहती है तुम्हारे साथ की भूख है। ये इसका क्या मतलब था? तुम्हारे साथ की भूख है कि तुम्हारा साथ चाहिए मुझे, आई एम क्रेविंग फॉर इट टुगेदरनेस, तुम्हारे साथ की भूख लग रही है। देखो यार एक औरत इतना तड़प रही है। Yeah, that's when you're not getting any food. And you really want it. You really want it. जाती है। And so you're not getting it, like food, and you're really hungry. So that's when you say stuff like that. अच्छा नहीं boy है, he's not getting it from anybody. बीवी उसका जो उसकी जो दिल क्या है मन नहीं ये आयरा के साथ तो ठीक है नहीं, आयरा के साथ ताल्लुक तो ठीक है। आयरा उसका फोन फाइनली उठा लेती है अल्लाह अल्लाह करके एंड में जाके ये बताने के लिए कि मैं उनके अंकल की शादी हुई भी है। What was Ayra thinking? Ayra को क्या लगा? Ayra आप Ayra हैं कि बबल बात हम एस्केप करके वो आते हैं ना बबल बात। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि Ayra को क्या लगा मासूम Ayra को कि ये जब होगा कि मैं किसी को प्लांट करूंगी एज आसिफ्स वाइफ क्या होगा? एक्चुअली Ayra जो है ना अपने आप को नाउ शी इज लेवलिंग हरसेल्फ विद मिस्टर आसिफ। उसने कहा अगर आप मिस्टर आसिफ हैं तो मैं भी Ayra हूँ और मैं भी इस घर की बहू हूँ, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आप ये बताएं सबसे पहले जो हेड ऑफ द टेबल पे बैठ जाती है उसका क्या ख्याल था, क्या अचीव होगा उससे? अच्छा उसको जो जो बंदा जो बात कर रहा है ना उसका ऑपोजिट कर रही है। पहले उसकी भाभी ने उसको पूरा सुनती है, फ्लैशबैक में हमें भी सुनाया सब कुछ, हमने देखा, हमने कहा यार चलो अब ये जो है संभलेगी। हाँ। उसके बाद जाके वो हेड ऑफ द फैमिली की टेबल चेयर पे बैठ जाती है। उसके बाद फखर सर अस्सलाम वालेकुम सर, फखर सर कितने अच्छे आदमी है फखर अंकल, उन्होंने कहा तुम टूल बनती रहोगी मेरे जैसे लोग। वो कहती है कि बिजनेस तो आने जाने वाली चीज है, घर मुश्किल से बनते हैं, घर बसाओ बेटा। मुझे सासों की जो होती है ना कमेटी उसकी हेड पर्सन का मुझे फोन आ गया। ओए ओए ओए। वो कह रहे हैं कि फखर सर का नंबर मिल सकता है, हम इन्हें ऑनरी मेंबरशिप देना चाहते हैं। सही बात है, इतने अच्छी उन्होंने सासों वाली बात की है कि यार के देखो ये बिजनेस आने घर। आयरा की जो वालदा है वो अपनी कब्र में कितनी खुश हुई होंगी कि यार माँ जैसा एक इसको कैरेक्टर मिल गया। उन्होंने कहा मैं तो यही सुनते सुनते मर गई। हाँ। कि यार के पाकिस्तान के जो मर्द हैं ये फेमिनिस्ट नहीं है, नहीं इनको पता नहीं है कि औरतों को घर कैसे संभालना होता है। कहते हैं बेटा घर बसाओ, कह रहे बेटा मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ कि घर बसाओ। लेकिन उन्होंने एक बात की मुझे पसंद नहीं आई। क्या? उन्होंने बोला कि आसिफ अंकल जैसे डर्टी माइंडेड लोग। डर्टी माइंड क्यों? उन्होंने डर्टी का लफ्ज जो उन्होंने डर्टी माइंड जो उन्होंने किया ना, आई टेक ऑफेंस टू दैट। सो डू आई। आसिफ अंकल वो हैं जिन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए वो सोफे से उठ गए। वो दाग ना उन्होंने लगने दिया। उन्होंने कहा दाग अच्छे नहीं होते। यहाँ तक कि जिस बहू को वो हकीर करते हैं उसको कहते हैं तुम यू बिलीव हर, यू बिलीव हर, मतलब उससे वैलिडेशन मांग रहे हैं। डर्टी माइंड का ताना दे। ओए 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 पूछना यार मुझे आप कहते हैं डर्टी माइंड तो मैं सह लेता अपने ऊपर, आसिफ सर के ऊपर मैं नहीं सहूंगा। नहीं डर्टी माइंड नहीं उनका, डर्टी माइंड नहीं है उनका। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, कनिंग हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकते हैं, डर्टी माइंड नहीं। ये ऐसे कहना कि बैडली ड्रेस्ड हैं, गंगा की तरह पवित्र हैं, गंगा की तरह पवित्र हैं आसिफ अंकल। यार इतने साल हो गए उनको विदाउट फीमेल कंपनी के, वो मतलब है कि बिल्कुल पवित्र हो चुके हैं आसिफ अंकल। चांद में दाग हो सकता है आसिफ अकल में दाग, चांदी की तरह साफ है, चांदी की तरह चांदी है यार। वो कितना जबरदस्त ये डायलॉग था, ये अक्षय कुमार बोलता है, पता आपको कौन सा? वो तुम दिल की धड़कन फिल्म में जब उसकी माँ और वो सब इल्जाम लगाते हैं ना शिल्पा शेट्टी के ऊपर कि ये है, तो फाइनली वो उसकी सिंड्रेला स्टोरी है ना, उसकी स्टेप मदर बड़ा उसको दबा के रखती है सब कुछ, और वो माँ की हर बात मानता रहता है। तो एक दिन वो स्कीम करते हैं कि ये जो बीवी है इसका उसके स्टेप ब्रदर के साथ सीन हो रहा है, तो वहाँ पे ही लूजेस हिज शिट, ही सेज मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि चांद पे दाग है, ये बात नहीं मानता कि इसके चरित्र पर दाग है। That's a good scene. और फिर शिल्पा शेट्टी लुक्स एट हिम लाइक, फिर गाना चल तुम दिल की धड़क, क्योंकि वो तो सुनील, ये वही फिल्म है जिसका गाना है चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। नहीं नहीं, ये वो वाली है ना दूल्हे का सेहरा सुहाना। राइट राइट राइट, आइकॉनिक फिल्म। राइट, मुझे नहीं याद, मुझे उसकी मीम याद है। सुनील शेट्टी गरीब होता है ना, तो शिल्पा शेट्टी का बाप उसकी शादी अक्षय कुमार के साथ करता है, अक्षय कुमार अमीर होता है, तो सुनील शेट्टी ना ओवर नाइट खरबों रुपए कमा लेता है, और अक्षय कुमार को ना कोई मसला पड़ता है कोई बिजनेस का, तो उसका सब कुछ खरीद लेता है, और फिर अक्षय कुमार की क्लोजेट में जाता है और अक्षय कुमार का सूट पहन के निकलता है बाहर। तो मुझे याद है कि उस वक्त किसी ने कमेंट कहीं पे, पता नहीं मेरे दिमाग में आया कुछ, वो टीवी पे मैंने कहीं सुना, किसी ने कहा सब मानने के लिए तैयार हूँ, ये मानने के लिए तैयार नहीं अक्षय कुमार का सूट सुनील शेट्टी को फिट कैसे आया। तो अब आपको ये कि हाँ सर आसिफ पे इज लाइक अ न्यू बॉर्न, गाना याद आ रहा है मुझे। हाँ कौन सा? मैडोना का बोल नहीं सकती वो वाला गाना। यार मैडोना ऐसे ऐसे गाने बना देती है और ऐसे ऐसे विजुअल्स बना देती है कि बंदा ना देख सकता ना बोल सकता। सुनो ना, मतलब लाइक अ वर्जिन टच्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्यों मिस्टर आसिफ याद आ रहे हैं इस गाने से, सोचने की बात। यार उन्होंने अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा यार वो मर्दों के लिए एक मसले रहा है। वो उन्होंने कहा है कि यार खलील-उर-रहमान कमर कहते हैं बेवफा, मैं करके दिखाऊंगा वफा अपनी मरी हुई बीवी के साथ, तुम लोग क्या कहते हो? कहते हो हर मर्द जो है वो फितरतन। खलील साहब का फोन आ गया, कह रहे यार ये कौन बंदा है, कौन बंदा है ये, मेरा कॉन्सेप्ट खराब कर रहा है। ये इंसान ही नहीं है तो फरिश्ता है, फरिश्ता है नहीं तो इंसान ही नहीं है, फरिश्ता है। अगला फोन मुझे फरिश्तों का ही आना था मेरे ख्याल में, लेकिन नहीं आया। फरिश्ता है ये तो बिल्कुल। यार आसिफ सर की क्या बात है यार, वो बकायदा परेशान हो, टेंशन में आ गए हो यार। वो तो बेचारों का यार कि मेरे साथ एक औरत का नाम जुड़ा, मेरे को यार इतनी क्या टेंशन की बात अंकल। कहते मेरी सोसाइटी में कोई इज्जत है, इससे क्या आपकी इज्जत जाएगी अगर आप छुपके शादी की भी है। बड़ा ही रिडिकुलस ये सारा सीन था। और एंड अगेन नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट वाज आयरा थिंकिंग? अच्छा आप दोनों इतने चाइल्डिश उस पे आ गए हैं कि अब वो उसको कमरे में बंद कर देंगे, कह रहे हैं उससे कि तुम उसका फोन भी निकाल लो। नहीं नहीं, उससे पहले वो जो मिसेस आसिफ बनी है, हाँ जी बेचारी, क्या नाम था, क्या जो भी नाम था, जरीन। तो जरीन उसको कहती है देख लो आयरा तुम ये, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि मुझे ना फंसना चाहे। फिर कहती है थोड़ी देर बाद अच्छा देख लो, बस मेरी एक कंडीशन है कि मुझे ना बस मुझे कोई मैं प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहिए। व्हाट आर यू, ये डायलॉग क्या था यार, व्हाट आर यू थिंकिंग? और वो फिर प्रॉब्लम में फंसी ऐसी वैसी, मतलब व्हाट वाज शी थिंकिंग कि क्या होगा। यार वो बिजनेस टाइकून है इतना बड़ा, मतलब वो बंदों को उठवा देता है, तुम्हारे भाई को मरवा दिया उसने, तुम्हारे घर पे गुंडे भेज दिए थे उसने, तुम्हारा जीना हराम कर दिया था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक औरत को प्लांट करोगे वो दब जाएगा? नहीं वो मासूम है, he could have gotten killed। आयरा मासूम है, उसने कहा इसने मुझे मेरे घर में बंदा भिजवाया था, मैं इसके घर में बंदी भिजवाऊंगी, टिट फॉर टैट। मासूम है आयरा, मगर अब ये दोनों बचगाना हरकतों पे उतर आए हैं ना। It's like you know when the cat's away the mice will play। वो सीन याद है आपको? खेल रहे हैं, सिगार पीते हुए सोच रहे होते हैं ये कहीं आयरा ने तो नहीं किया, आयरा ने किया यार, इस कदर घटिया हरकत क्यों की इसने, मैं तो टेंशन हो रही है, मेरी इज्जत का क्या होगा, मैं इतना शरीफ आदमी लुट गया हूं यार, मेरी इज्जत जो है वो जा रही है। वो ही वाज कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे वो धुएं की, उसमें बड़ा पोएटिक था यार, इट वाज वेरी लाइक डीप सीन था। बड़ा बुरा लिखा हुआ है यार, बहुत बुरा लिखा हुआ है। आई मीन ये सारे सिनेरियोस, बीवी का आ जाना, मिस्टर फकर का और एकदम उसको बन जाना उसका काउंसलर, मैरिज काउंसलर, बेटा अपना घर बसाओ, दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। बट आई कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि ये तो बच्चों वाले खेलों पे आ गए हैं। अब जो है वो मिस्टर आसिफ कहेंगे इसको कमरे में बंद कर दो, फोन भी ले लो और जितना चीखे अंदर से मत खोलना, इससे क्या होगा। वो कह रहे हैं नाश्ते पे जब वो तंग करिए सिगार रूम में नाश्ते ले वो वहाँ पे वो कहती है मेरे भाई को मारा आपने ये करा और भाई से मार रही है दरवाजे को ठा ठा मार रही है जैसे हो गया छोटे बच्चे होते हैं हाँ। तुम तो टके की तुम ये तुम वो तुम्हारी जैसी लड़की को मैं देखा ना ये वो करके दो कौड़े की हूँ तो आपकी बहू आप ना एडमिट करें ना एक्सेप्ट करें मगर बदल नहीं जाएगा 24 घंटे में 48 बार मेरी शक्ल देखनी पड़ेगी। कहते हैं यार मैं दफ्तर जाके नाश्ता करूँगा। मैं आसिफ अंकल को क्या टेंशन है जैंडर से मंगा लेंगे कुछ ना कुछ ऑमलेट फ्राइड अंडा और पराठा। इतना हेवी ब्रेकफास्ट करते भी हैं कॉफी शॉफी पियेंगे क्रॉसॉन साथ लेंगे आराम से सीन उनका ऑन हो जाएगा। यार शहजाद नवाज ने बहुत अच्छा प्ले किया बहुत अच्छा प्ले 100 बातों की एक बात यार इसमें से कोई टेक अवे है ना पूरे ड्रामे में से वो यही है कि शहजाद नवाज इज एक्चुअली ही इज प्लेड इट वेरी वेल ही इज प्लेड इट सो वेल इज सो गुड इट्स ट्रीट टू वॉच। इस एपिसोड में तो मैं आयरा की भी आयरा कहती हूं एमजे की स्टाइलिंग से भी जरा इतनी इंप्रेस नहीं हुई। एमजे पे आते हैं। अच्छा ये आयरा के पास इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है शी कुड हैव वन हर फादर इन लॉ ओवर। जी हाउ यार अच्छे तरीके से सुबह उनका ब्रेकफास्ट बनाती उनका वेट करती उनको मजे का कुछ सुबह सुबह खिलाती उनके साथ हार्ट टू हार्ट करने की कोशिश करती की है ना पहले उसने कब की है ये उसने जब कहा था कि मैं फ्यूजन फूड बनाती हूँ यार तो थोड़ा सा आप वो भी उसने तब किया जब पहले अंकल सबको डिस्टर्ब कर देती है सबके साथ मीटिंग फजूल चीजें करती है हेड ऑफ द चेयर पे बैठ गई हेड ऑफ द फैमिली की चेयर पे बैठ गई जाके बीच में अड़ियां करती है फखर अंकल के दफ्तर पहुंच गई उनके ड्राइवर को लेके लैंड क्रूजर पे बैठ और फिर अपसेट हो रही है कि हाँ हाँ आपने क्यों बचकाना हरकत क्यों की आपने इतनी चीप हरकत आपको जाके इस तरह करोगे तो क्या करेंगे मतलब उनकी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही हो वो सही कहते हैं कि यार तुम इतनी अनवेलकम हो उस घर में तुम्हारा मियां नहीं है जाओ घर जाओ अपने आपकी याद आ गई मुझे मैंने सही कहा हाँ और क्या अंकल खुद कह रहे हैं यार अपने घर जाओ दफा हो तुम जब आया मेरा बेटा आ जाना वापस कह रही नहीं ये मेरा घर है उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें बेचारे। अब सर आसिफ को बिल्कुल बौंतर गए हैं आयरा ने उनकी चक्री घुमा दी है। फिर आप कहते हैं कि व्हाई डोंट पीपल लाइक आयरा। नहीं यार इस एपिसोड में तो मैं भी डिडंट लाइक आयरा at all and I have a newfound love for Mubashira now। आज हैं आप पाकिस्तान वाले टर्की बड़ी देर से आपको एमजे की लव है ऐसा ना कहें पाकिस्तान वाले टर्की आज हैं पाकिस्तान वाले टर्की यार एक तो मुबशरा इतनी कोई हसीन है जी और लग भी रही होती है मुझे नहीं समझ आती कि जैद का क्या मसला है। मैंने तो आपको कहा था बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है पहले भी आपको मैंने कहा था कि दो लोगों को एक कमरे में ये डालते हैं जिनका एक शरई ताल्लुक रिश्ता भी है मतलब है कि देयर इज नथिंग स्टॉपिंग देम हाउ आर दे स्टॉपिंग देमसेल्व्स इट्स और जैसे कि आपने डायलॉग हम नहीं कह रहे डायलॉग मैंने कब कहा था किस ड्रामे हर ड्रामे में ये कहती हूं क्योंकि हर ड्रामे में ये अपॉर्चुनिटी आती है। आपने कहा कि उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ की भूख है तुम्हारी भूख है हां तो मतलब है कि यार जब ये सब कुछ है तो मैं सिर्फ अगेन राइटिंग और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था could they have not made it in a way कि यार थोड़ा सा उसमें ऐड कर देते। आप समझे नहीं ड्रामे को क्या समझे नहीं मत समझाए ना जेनेटिक्स माय फ्रेंड जेनेटिक्स क्या जेनेटिक्स बाप ओ यार जीनियस राइटिंग है। अस्सलाम वालेकुम आमना बिल्कुल आप तय तक नहीं पहुंचे बाप ने अपनी इज्जत बचाई। वन मैन वुमन गुड वन वुमन मैन बिलीव्स इन मोनोगमी। क्या एक दूसरी शादी क्यों की है फिर एक औरत का बिलीव्स इन मोनोगमी एक औरत का बन के रहूंगा 1 to 1 बस। उसके वालिद साहब अपनी बीवी की वफात के इतने सालों तक उसने देखा मेरे बाप ने एक ही शादी की उसने कहा यार मेरा बाप एक औरत के साथ लॉयल था। बेसिकली हुआ क्या जी जब आसिफ सर छोटे थे उन्होंने एक फिल्म देख ली कुछ कुछ होता है के नाम से ठीक है उसमें एक कैरेक्टर था राहुल जी आसिफ सर ने ये डायलॉग सुन लिया हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं और प्यार भी एक ही बार होता है यही उन्होंने सुन लिया बाकी उन्होंने फिल्म एंड तक देखी नहीं उन्होंने कहा ये स्टक कर गया उनके साथ उसके बाद उन्होंने कहा यार कि प्यार तो एक ही बार होता है जिंदगी में। और जैद क्योंकि अपने बाप का ही बेटा है उसने भी देखा है उसने कहा कि शादी भले 2 बार हो जाए प्यार एक ही बार होता है और अगर आप देखा जाए तो कुछ कुछ होता है का मैसेज यही था शादी भले 2 बार हो सकती है प्यार एक ही बार होता है। नहीं तो प्यार एक ही है और क्योंकि प्यार हमारा एसोसिएटेड है भूख से हाँ। तो उसने कहा कि मैं तो फाका काटूंगा इस खातून के साथ हाँ। यही हो रहा है लेकिन उस खातून के साथ तो जाती कर उसका तो यही प्यार है ना फिर उसका प्यार यही है। मैं तो कभी कभी समझ नहीं पाता जैद को कभी भी समझ नहीं आता। मैं कहता हूं यार कि व्हाट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़ैद टेक इट नहीं ज़ैद तक मेरी बात नहीं पहुंच रही जीन्स है सर जेनेटिक्स है ये तो स्ट्रांग जेनेटिक्स है यहां तक कि ज़ैद ने बबल बात खोला जाके उसने खोल लिया बबल बात उसने खोला। जैसे होता ना आप छुप के किसी से फोन करने के यार, आप एक बात कहने की अगर आप किसी स्पा हॉलीडे पे गए हैं, वेकेशन पे आप गए हैं, आप यू हैव द टाइम एंड द लेजर टू हैव अ बबल बात, या तुम बिजनेस मीटिंग पे गए हो, किसके पास वक्त है कि तुम पहले टब भरोगे, फिर तुम उसमें बाथ सॉल्ट्स डालोगे, फिर तुम टेम्परेचर ठीक करोगे, लाइटिंग ठीक करनी पड़ती है बबल बाथ के लिए, फिर तुम कुछ उसमें एरोमेटिक्स डालोगे, कोई एक दो मोमबत्तियां जलाओगे, बड़ा तुम्हारे पास यार टाइम है। थोड़ी जो टब नाल पई होएगी, दो ही दो पाएगा तो खत्म हो जाएगा यार। नहीं ऐसे तो नहीं ना बबल बात होता। तुम शावर लो और चलो अपने काम पे, काम करने आए हो, कह भी रहे हो बार बार कि वी आर हियर टू वर्क, बिजनेस उस पे आए हैं। नहीं नहीं, वो जब उसको कहती है मुझे भूख लगी है खाना खिलाओ, तो वो कहता है अच्छा क्या खाओगे, तो कहती है कुछ भी, बस मुझे तो तुम्हारी कंपनी चाहिए, तो कहता है आओ तुम्हें मजे की चीज खिलाता हूं। हां तो दे ही इज सॉफ्टनिंग अप, ही इज गोइंग इनटू, ठीक है सॉफ्टनिंग अप। और अच्छा वो उनका आपस का एक सीन बन रहा है और वो हो जाएगा इंशाल्लाह, कराची आ इंशाल्लाह एवे कौन कराची में सेट हो जाएंगे यार। आयरा को पे मरना पड़ेगा, हैं आयरा को मरना पड़ेगा मेरे ख्याल में। वो वो है इंडिस्पेंसिबल है, इन क्या होता है डिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल। ये आपने कुछ कुछ होता है का नाम लिया तो फिर एक कुछ मरना पड़ता है, एक मोहब्बत को फिर मरना तो फिर मेरे ख्याल में आयरा का जो टिकट है वो कटने वाला है, कट चुका है जी, कट चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आयरा नहीं सरवाइव कर पाएगी। नहीं ये माहौल दूसरी तरह का ना, लग्जरी माहौल है एक्चुअली। एमजे भी जल्दी हार मान जाती है, भूख पे चले ठीक है, उसने कहा तुम्हारी भूख है मुझे, सॉरी तुम्हारे साथ की भूख है मुझे। जब वो बबल बात खोल रहा होता है तब वो जाके अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर रही होती है, वरना उसको कहती कि यू नीड एनीथिंग यू नो, तो वो शायद आगे थोड़ी बात चलती, लेकिन नहीं। बात तक की नौबत क्यों आई, वही ना बात तो चला है। They were both in a good mood. They were good, exactly. Leisurely time भी था, obviously कोई मीटिंग नहीं थी, कोई pressing. What happens in Turkey stays? Yeah, they're married. Anything can happen. It doesn't have to stay in Turkey. So maybe you also doesn't have to stay in Turkey. You don't have to be privy to every little detail of their. But did something happen? Who's to say? You never know. Actually, you think so? Who's to say? चक्कर आ सकता है आयरा को फिर। आयरा कहती हूँ। आयरा को भी आ सकता है। आयरा को भी मुझे तो लगता है आने वाला है आयरा को चक्कर। मुबशिरा मुझे लगता है कि वो जो अंकल बंद करेंगे उसको, फिर उसको एक चक्कर आएगा, फिर उसका जब टेस्ट होगा तो पता चलेगा। बाय द वे जिधर चक्कर आ रहे हैं उधर भी आए ना, वो जो है वो एक ट्रैक, वो अंकल वाला दूसरा और वो दूसरी रायहान और उसकी बीवी और वो सब कुछ, वो तो पता नहीं क्या ही ट्रैक है। बट उसने मुझे आपकी याद आई, डॉक्टर ने कहा मल्टीविटामिन और मैं वो दे रही हूँ, शुक्र है अल्लाह का, सप्लीमेंट्स जी, ये नहीं कहा दवाइयाँ कुछ लिख के दे रही हूँ आपको। अंकल जो है उनके डायलॉग मुझे इससे नहीं समझ में आते कि अच्छा ओके 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 मैं कर लेता हूँ, मैं रायन को भी कॉल कर लेता हूँ, अंकल के डायलॉग है ही नहीं। इज एवरीथिंग ओके है, डायलॉग ही नहीं है। बड़ा एक अजीब सा वो था सारा सिनेरियो जो अपने उसके मिस्टर एमजे है ना, वालिद साहब जो है, हाँ उस्मान भी ज्यादा क्या, मुझे लगता है उनके कोई रोल, उनके कोई स्क्रिप्ट ही नहीं था उनके लिए, वो खुद ही ऑन द स्पॉट उनको लगता है कि ये आपका क्या, ये आपका सीन है, आप इसमें कोई भी डायलॉग डालते हैं ऐसे ही, मुझे ऐसा। हां मुझे नहीं लगता उनका कोई स्क्रिप्ट है। बेटा यू रेस्ट आई विल कॉल द डॉक्टर। आई थिंक इट्स अ गुड आईडिया, आई थिंक इट्स अ गुड आईडिया। हां बस वो सिर्फ ऐसा ओके आया हां ओके आया। वो बेटा एकदम कहता है कि आपने सारे शेयर्स उसके नाम कर दिया, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं, एकदम उसको 400 वाद याद आया कि ये हुआ है ओके। अच्छा और वो लड़की इतनी कोई बेवकूफ है कि प्रेगनेंसी में असली में उसने डाइटिंग शुरू कर दी है मियाँ के कहने पे। मियाँ भी पागल है और वो बीवी भी पागल है कि मियाँ कह रहा है कि तुम वेट पुट ऑन करियो प्रेगनेंसी में, तो उनकी लग रहा है कि मतलब है कि बच्चा कितों निकलेगा, तो बीवी कह रही है कि अच्छा ठीक है यार मैं खाना छोड़ देती हूँ। हाँ। मतलब ये क्या दिखाया उन्होंने, अजीब बहुत ही रैंडम सी एक चीज उन्होंने ड्रामे चैनल। यार आपके पास मवाद कम है, इतना कंटेंट है आपके पास, उसी के साथ खेले ये क्या आप नहीं बीच में। आपके पास वहाज अली और आयशा खान जैसे दो अदाकार हैं यार, जबरदस्त यार। मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ वहाज को, देना यार। यार आई थिंक कि मैं की वजह से थोड़ा सा हमने पिछले कुछ अरसे में वहाज को स्क्रूटनाइज ज्यादा भी किया है, और ठीक है बनता भी है, क्योंकि मैं जो जैद का जिस तरह से किरदार है हम नहीं उसके साथ उस तरह से कनेक्ट कर पाए। बट द मैन हैज़ बीन वर्किंग राउंड द क्लॉक यार, बड़ा वहाज ने पिछले साल 2 साल में काम किया है। अब कुछ इस तरह से हो गया कि कोइंसिडेंटली 22 कदम भी साथ में आ गया, तेरे बिन मुझे प्यार हुआ था साथ में आ गए। बट अपने हिसाब से तो वहाज ने कोशिश की होगी ना डिफरेंट कैरेक्टर्स। आई वुड बेग टू डिफर बिकॉज़ आई फील दैट वहाज इज एन एक्सेप्शनली गुड एक्टर and he's got the chops, and you know I always appreciate people who have made it from supporting to lead. Yeah, bahut badi baat hai, and the biggest and drama how? and how oh my god, historical. But the thing is ke pre Tere Bin his choices were so careful and so well constructed, and he knew the roles he was taking for a reason. अपनी परफॉर्मेंस उन्होंने एस्टैब्लिश की. पोस्ट तेरे बिन ही इज डूइंग एब्सोल्युटली बैड कैरेक्टर्स, ही इज नॉट पिकिंग हिज प्रोजेक्ट. नो बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. 22 कदम जुनैद वाज प्री तेरे बिन, ठीक है, बट मुझे प्यार हुआ था वाज प्री तेरे बिन. मैं वाज नॉट प्री तेरे बिन. द ओनली कैरेक्टर दैट वी आर सीइंग पोस्ट तेरे बिन ऑफ वाज इज मैं. नो, मुझे प्यार हुआ था बस साथ-साथ, बट वो उस वक्त तेरे बिन. आई नीड टू सी वाज इन अ प्रॉपर सीरियस कैरेक्टर. सो आई थिंक एक एक्टर ने जिसने इतना हमें एंटरटेन किया हो, इतने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, इतना हमें अच्छा वक्त दिया हो, इतना यू नो जो बिछड़ गए, इश्क जलेबी, इवन ऐदे वफा में वहाज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. दिल ना उम्मीद तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट था. तो उस सिनारियो में अगर आप देखा जाए तो एक मैं को हम वी कैन लेट इट स्लाइड आल्सो. नो बट इट्स नॉट जस्ट मैं ना, फॉर मी इट्स लाइक मैं, इट्स हिज कैरेक्टर इन. बट मैं जज करूंगा वहाज को अब आगे से सीरियस. जो जजमेंट मेरी शुरू हुई, ठीक है, मैं एक था. when I look at his why are you not judging him for me? Because when I look at his performance, and of course it's Wahaj's fault, he seems tired. I think he took on Main during that phase when he had a lot going on, you know, he had, because this was right when Tere Bin was being wrapped up, and us time pe we know, we've seen him, he was doing his you know campaigns, his endorsements, his this and that. Beach mein he was doing that film also, yeah. With Mehwish, which he was very good in, which he was very good, yes. So I think he took on a lot. Obviously he is to be blamed for it, no one else, but I'm going to say that okay fine, chalo ek galti kar di, main ka kirdar nahi hua, he was probably too tired, he couldn't give his. Jaise I'm sure you will also agree, jab hum tere bin dekh rahe the ya even mujhe pyar hua tha dekh rahe the, aisa lagta tha even 22 kadam mein abhi bhi jab hum dekhen, there are many instances jahan pe aisa lag raha hai ki Bahaj ki apni input hai. Aur tere bin mein to aapne bhi badi baar mention kiya tha ki bahut sare aise sequences scenes hain जहाँ पे वहाज की अपनी एक स्टाइलिंग उसकी अपनी थी, अपनी एक वो मैं ऐसे लगता है that he's let go of everything. Totally, totally. ऐसा लग रहा है ना आपको? बिल्कुल, बिल्कुल. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह शायद ये थी कि he had too much going on. Yeah. Again, nobody else to be. No, so he was riding the wave, right? आपको इतनी popularity मिले तो you say कि you know make hay while the sun is shining. No, and you tired also, यार. Actors do, and there we've seen examples of other actors also. So I'm gonna let this one slide. बट अगला जो प्रोजेक्ट आएगा, जो भी आई थिंक माया के साथ जो वहाज का आना है, जो खलील साहब ने लिखा है, हसीब ने डायरेक्ट किया है, टीम भी जबरदस्त है, that must be a good one. हाँ, तो उसमें फिर मैं क्रिटिकली उसको ज्यादा क्रिटिकली देखूंगा. सो यही मैंने कहना था. आई थिंक कि थोड़ा सा हमें जो एक्टर्स हैं, जैसे आप अभी बात कर रही थी कि हमारे पास पूल बड़ा जबरदस्त है एक्टर्स का, पूल बनने की यू नो यू नीड टू अलाउ दैट पूल टू ग्रो. एंड वहाज और वहाज के अलावा दीगर भी जो हमारे एक्टर्स हैं, जैसे अहमद अली अकबर हैं, यू नो, उनके हिसाब से रोल लिखे जाने चाहिए, वहाज के हिसाब से रोल लिखे जाने चाहिए. ये हमारे अच्छे एक्टर्स हैं, वी वांट टू सी मोर ऑफ देम, और उनका जो ड्यू है उनको इसी तरह मिलेगा ना, जब प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स उस तरह से उनको यूटिलाइज करेंगे. yeah. जैसे सो हैप्पी टू सी फैसल कुरैशी इन खई नाउ. एब्सोल्युटली, वही इसी तरह के मिलते जुलते 3-4 किरदार थे ना उनके पिछले. खई में क्या फर्क आ गया? एसेंशियली अभी भी यंगर गर्ल के साथ ही है, बट नहीं लग रहा ना ये, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जिस तरह से बिल्ड हुए हैं, एंड माय गॉड व्हाट अ ड्रामा यार, एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस. वही फैसल कुरैशी हैं. एब्सोल्युटली. सो ये चीज मैटर करती है कि यार आप अपने टैलेंट को, सारा ओनर्स हम हमेशा एक्ट डालना चाहिए. एक्टर्स आर ऑब्वियसली एक्सट्रीमली रिस्पांसिबल फॉर द चॉइसेस दे मेक, बट द एंटायर ओनर्स शुड नॉट बी ऑन द एक्टर्स, आई फील. जैसे आयशा ऑल्सो, वी सीइंग हर इन जाने जहां, वी सीइंग आयशा मेक्स वेरी इंटेलिजेंट चॉइसेस एज मुबशिरा. आई नो व्हेन दिस वन स्टार्टेड, व्हेन मैं स्टार्टेड, आई वाज नॉट फॉन्ड ऑफ मुबशिरा और द ड्रामा. वो तो बाद में चलो, मगर मैं ड्रामा जैसा भी हो, जितना भी बुरा लिखा गया हो, जो आयशा का कैरेक्टर है, एमजे का, वो दैट इज अ सॉलिड कैरेक्टर. तो आयशा ने ऐसा है कि आयशा हर किरदार में वो मेहनत डालती हैं. बिल्कुल. अनफॉर्चुनेटली वहाज नहीं डाल पाए मैं, तो मैं एक माफ करने के लिए तैयार उनको, और कर देना चाहिए यार, क्या हो गया. नहीं, मैं तो माफ हम करने वाले कौन ही होते हैं, मगर मैं तो ये कहूंगी कि नहीं, एज अ व्यूअर, एज अ फैन आल्सो ना, वी नीड नो, आई मीन मैं माफ, वही बात है, माफी बहुत बड़ी चीज है, बट यू नो आई डोंट लाइक द फैक्ट ओह माफ इन द सेंस कि यार आप कहते हो. आई नो बट आई वुड लाइक टू सी हिम मेक मोर इंटेलिजेंट चॉइसेस. आई थिंक ही इज गोना, लेट्स सी अगला दे, जैसे आई सेड कि ये जो प्रोजेक्ट है, इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट. अगर उसको खलील-उर-रहमान कमर ने लिखा है, हसीब ने डायरेक्ट किया है, तो अच्छी एक स्ट्रांग टीम है. बाकी यार आप फिर वन हिट वंडर रह जाएंगे, तो वो तो हम नहीं चाहते कि वहाज एक वन हिट वंडर तो है भी नहीं ना, वो तो पीछे वी नो, क्योंकि हमने वहाज का काम देखा. हिट तो एक ही है ना, फिर एक जो मेमोरेबल है वो तो कितने लोगों ने देखा, जो बिछड़ गए, वो तो वंस इन अ लाइफ टाइम हिट है ना. एग्जैक्टली. इस जलेबी भी हिट था, ऐदे वफा भी हिट था, बट व्हेन यू थिंक ऑफ कैरेक्टर्स, व्हेन यू थिंक ऑफ कैरेक्टर्स दैट आर मेमोरेबल, इट्स मोर्टसम. मैं when I honestly when I think of Wahaj, of course I think of Mortassem as well, but for me as a performer it is Rumi जो बिछड़ गए. I will always, whenever I look at Wahaj's career, it is Rumi that remains, that has remained stuck with me, yeah. And that's when what I think. But for most people it will be Mortassem, because not many people saw Rumi. But again, he was great as Mortassem. He was absolutely. So I would like to see him, you know, in that. Inshallah, cast like that. Inshallah. Again, all the actors यार जो भी काम कर रहा है सबको हम तो चाहते हैं कि सब अच्छा काम करें, intelligent choices करें. बट वही बात आ जाती है कि choices हैं क्या और उसमें से कौन क्या पिक कर रहा है और कैसे डिलीवर कर रहा है. दूसरे किस्म के लोग हैं. Hot bites बनने हमने ये तो पॉडकास्ट है पूरी. Hot bites है. तो ये मेरे क्यों मैं देखा मैंने कहा यार गुड लुकिंग बॉय है वहाज यार. Absolutely. You know, he's got that screen aura. Absolutely. He's got that screen presence. But I have a little bit of issue with his beard and mane as well. I feel it's not very flattering on his face. Uh-huh. It's because there's a gap between his mustache and his beard. I don't know. I've noticed there's a gap between his mustache and his beard. And in Mortassem, it was so good because his mustache came down and twirled a little bit. So it was a very alpha look. Well, that's a special look. Man. Absolutely. Yahan pe ye ke, but even in his regular styling, I think that he needs to consult with somebody professionally. To get his mustache rolled. No, कि ये जो gap है ना ये नहीं होना चाहिए. It gives a very like a very Saudi boy look. I don't know if he wants that look, then great. But if he wants a Saudi boy look, but it's a very. आती नहीं होगी जैसे मेरी नहीं आती connect नहीं होती होगी. आप कुछ तो कर ही लेते हैं connect करने के लिए. नहीं आपकी beard तो है ही नहीं ना फिर. मेरी तो है ही नहीं ना मेरी तो आती नहीं है. हाँ मगर beard में ना आना तो लगता है जैसे कि you know कुछ रह गया. कुछ लोगों की नहीं आती मेरे जैसे लोगों की. तो ये but yeah on that note आपना कुछ आप add करना चाहिए कुछ कहना. मैं नहीं हम यार हम काफी बोल चुके हैं. यार 3 ड्रामों कितना लंबा रिव्यू किया हमने. भाई यार माशाल्लाह यार आमना और हसन के लिए तालियां यार. खाली 3 ड्रामों में 1.25 घंटे का रिव्यू फड़का दिया और कभी कभी 8 ड्रामों के साथ 40 मिनट में निपटाया है. हाँ। क्या लोग हैं आप, क्या लोग हैं. ऐसे ड्रामे हमें देते नहीं. फोन आ गए आज काफी फोन आ गए. तीनों रात मजा आया आप लोगों से बात करके. कल आपने हमारी ऑन द स्पॉट की एक एपिसोड देखी होगी. हमें अच्छा लगता है जब हम आपके कॉमेंट्स ढूंढते हैं और उनके ऊपर बात करते हैं. इट्स ऑल लाइट हार्टेड फन. तो अगर किसी की दिल आजारी हुई हमारी किसी बात से तो माजूर चाहते हैं आप. और मैं 7वें 8वें एपिसोड पे पहुंच गई हूं ब्रेकिंग न्यूज़ के. इट इज एडिक्टिव, मुझसे रुका नहीं जा रहा. आई वांट टू वॉच इट अगेन एंड अगेन. यू वांट टू रिपीट द एपिसोड? नो एज इन आगे आई वांट टू बिंज वॉच इट. मुझे वक्त नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ आवर डेली कमिटमेंट्स विद ड्रामास. But I'm binge watching it, and as soon as I get up to speed, I will review it seriously. यार आपने कह दिया मैं देखना शुरू. आप देखिए हसन, आप बहुत enjoy करेंगे. आप genuinely बहुत enjoy करेंगे. We understand that entire landscape and climate so well. एक drama कटा दें. That culture. कोई एक drama कटवाएं पे. नमक हराम. नमक हराम कटवाना चाहती हैं आप? ठीक है, एक ड्रामा कटवा देंगे. और मैं आज ऐलान करने जाता हूँ कि मैं भी आमना के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ देखता हूँ. आप देखिए, आप एंजॉय करेंगे. आमना की रिकमेंडेशन पे ब्रेकिंग न्यूज़ देखेंगे. ख्वातीन, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.